सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्सही जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो दस पाँचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरती समापतम सकल समाना निर्तले उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मद्यतम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावें पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि आधारा ध्यावें शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा दावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं, ये हमारे हितैषी हैं, हमदर्द हैं। और हम जिस लोक में रह रहे हैं ये अपना मूल ठिकाना नहीं है। हम यहाँ के वासी नहीं हैं, यहाँ हम सुखी नहीं हो सकते। और जिन आधारों को हम सुख मान रहे हैं, निसंतान सोचता है मुझे संतान हो जावे मैं सुखी हो जाऊँगा। निर्धन सोचता है मैं धनवान हो जाऊं सुख होगा। धनवान को सुख सपने में भी नहीं होता। धनवान सोचता है राजा लोग सुखी होंगे। राजा सोचते हैं कि
स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। देवता सोचते हैं कि इंद्र स्वर्ग का राजा सुखी होगा, इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे, और ब्रह्मा विष्णु महेश उनका जीवन देख लो, सुख का सांस नहीं। श्रीमद् देवी भागवत के अंदर स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि आप तो सर्वेश्वर हो, आप भी ध्यान क्यों लगाए बैठे हो, किसका ध्यान करते हो, किस देवता की पूजा करते हो। भगवान विष्णु कहते हैं मैं दुर्गा का ध्यान करता हूँ, देवी का, शक्ति का, और मेरे विचार में, मेरे जानकारी में इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, इससे बड़ा कोई प्रभु, कोई देव नहीं, और मैं अधिकतर तप करता रहता हूँ। तप करने से फुर्सत मिलती है तो मैं फिर ज़्यादातर राक्षसों को मारने के लिए युद्ध करता रहता हूँ। थोड़ा बहुत सौभाग्य मिलता है, कुछ समय मिलता है, कुछ देर लक्ष्मी के पास रह पाता हूँ। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी नहीं। तो पुण्यात्माओं, आप यहाँ सुख की चाह करते हो, ये भूल पड़ी है आपके। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापे कोई मैल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई ना देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो, साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई ना देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो, सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, एक संत सुखी मन जीती हो।
तंदर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कहें कबीर ओ ऋषभ दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई ना देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, और जिस सुख को तुम छोड़ आए हो सतलोक में, उसको तुम यहां खोज रहे हो। जो सुख आपको अपने घरों में होता है, उस फैसिलिटी को आप जेल में चाह रहे हो, वो कभी नहीं हो सकती। तो ये 21 ब्रह्मांड जेल है काल की, 21 ब्रह्मांड ये काल की कैद है। इसमें हम बंद हैं, कर्मों का दंड हम भोग रहे हैं, और संस्कारों के बंधन से, रस्से से, बेड़ियों से हमें बांध रखा है। और इस जेल में हम सुख ढूंढ रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता और भोलापन है। इसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखा। हमने, परमात्मा कहते हैं, इसकी 21 ब्रह्मांड में दौरा कर लिया, कोई भी जीव सुखी नहीं पाया हमने। परमात्मा कहते हैं, हम ब्रह्मा के पास गए तो वो महादुखी, विष्णु के पास गए, उसने भी सैकड़ों चिंताएं अपनी बताई, शंकर जी के पास गए वो भी दुखी। और फिर कहते हैं, कोई पूरी पृथ्वी का शासक हो, भूपति यानी पूरी पृथ्वी का शासक हो, उदय अस्त का राज जिसके पास हो, उदय माने जहां से सूर्य निकलता है, अस्त जहां छुपता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो, वो राजा भी सुखी नहीं देखा हमने। फिर बताते हैं, देखो, एक परिवार का मुखिया, वो प्रबंधक होता है अपने परिवार का, और 5-4 सदस्यों के अरेंजमेंट में वो महादुखी हो लेता है, टेंशन हो जाती है, रात को नींद भी नहीं आती उसको। और राजा एक अक्षेत्र का प्रबंधक होता है, मुखिया होता है, तो वो कैसे सुखी हो सकता है? ये तो हमारी एक अज्ञान, हमने सुख के नापण का आधार गलत ले रखा है, जिस कारण से हमने महादुखी आदमी, व्यक्ति सुखी दिखाई देता है। उसके लिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि भाई, घाटे बाद सब जग दुखिया। घाटा मीन हानि होगी किसी व्यवसाय में, वो तो नेचुरल दुखी, और जिसके घना धन हो गया वो महादुखी। 100 अरेंजमेंट सोचेगा, 20 लाख का बेनिफिट हो गया तो 50 लाख की कोई फैक्ट्री ला लेगा, अगले दिन मजदूरा हड़ताल कर माथा टेक कर बैठ जाएगा, क्या होगा मेरे पे, 1 करोड़ डूब गया, फलान डूब गया, रात दिन नींद नहीं आती इसको। कहने का भाव ये है कि यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं, घाटे बाध है सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। जैसे किसी ने घर त्याग दिया, बैराग ले लिया, जंगल में जा बैठा, वन में। अब वन में फिर सारी समस्या घर से भी ज्यादा, मच्छर न्यारे खावें, मक्खी सतावें, डांस लड़े, गर्मी सर्दी सतावे,
और फिर भूख लग गए, फिर गम मजावे, दिए माई उड़े अलख जगावे, फिर झोंपड़ी गल है, सौ व्यवस्था फिर कर ली। परमात्मा कहते हैं जो वास्तविक विधि है परमात्मा की भक्ति करने की, उससे तुम अपरिचित हो, और इस काल की प्रेरणा से प्रेरित होकर के साधकों ने अपने मनमुखे आचरण शुरू कर दिए। कोई व्रत रखता है, कोई झरनों में बैठकर जलधारा लेता है, कोई पांच धुने लगाकर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर ढोंग करता है, कोई ऊपर बैठकर ऊंचे से स्थान पर जहाँ से सबको दिखाई दे से स्थान पर चमटा गाड़ कर उड़ा बैठ जाएगा आसन पदम लगा के, कि बड़ा साधक है और जनता दूर से देखेगी महात्मा तपस्या कर रहा है। फिर वहाँ जनता की लाइन लग जाएगी, दर्शनार्थ चढ़ावा चढ़ाने लग जाएंगे, दान करने लग जाएंगे। तो ये जो साधनाएं हैं ये शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में निर्णय दे दिया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, गति मीन मोक्ष, और न उनको कोई सुख होता है और न ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में है, कौन से कर्म करण योग्य हैं, कौन सी क्रियाएं ना करनी चाहिए, उनका निर्णय सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। सदग्रंथ कौन कौन से है? पुण्यात्माओं, पवित्र पांचों वेद। आप जी ने केवल चार वेद सुने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक पांचवा वेद है जो इन चारों वेदों की माँ है, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद संत भाषा में, और उसको तत्व वेद भी कहते हैं, तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन जिन यज्ञों की, यज्ञमीन यज्ञ का अर्थ होता धार्मिक अनुष्ठान साधनाएं, जिन यज्ञों का धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विवरण चौथे अध्याय के 25 से लेकर 30 तक दिया है, इनमें कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, और कोई प्राणायाम जैसे श्वास बाहर जाता है उस पर ध्यान रखे, अंदर जाता है उस पर ध्यान रखे, बस कोई जाप नहीं करना, इसको पान अपान की क्रिया बोलते हैं, और कुछ प्राणायाम करके अपना श्वास सूक्ष्म करके ध्यान लगाने का चेष्टा करते हैं, कुछ स्वाध्याय करते हैं, कुछ तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, झाड़ू सी लेकर, कुछ ऐसी साधनाएं करते हैं, कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, नित कोई पाठ कर लिया किसी भी धर्म ग्रंथ का। तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो साधनाएं हैं सभी साधक अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, वो ये सोच रहे हैं हम जो साधना कर रहे हैं ये हमारा पाप नाश करेंगी, पाप नाश होने से ही परमात्मा मिलेगा। फिर बताया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कि इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है, शब्दों के अर्थ ठीक नहीं किए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने किया है वेद की वाणी, ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, परमात्मा होता है, और ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान,
यानी सचिदानंद घन ब्रह्म, जैसे वेद तो विधान है प्रभु का और ब्रह्म परमात्मा है। यदि कोई राजा, राजा का अर्थ संविधान करता है किसी प्रकरण के अंदर, तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है बिल्कुल। राजा तो एक प्रबंधक है, मैनेजमेंट करने वाला है, कंट्रोलर है। उस वेद संविधान उसका कानून है, उसमें कानून लिखा, कोई ऐसी गलती करेगा तो ऐसी सजा होगी, ऐसी करेगा तो ऐसी सजा होगी। ऐसे ही ब्रह्म तो प्रभु है और वेद उसका विधान है। तो यहाँ इन्होंने अर्थ गलत कर दिए। ब्रह्म ने मुखे का अर्थ है सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। मुखे माने उसके मुख से बोले गए वचन, उस कबीर वाणी में, उस सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ लिखे हैं। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस सूक्ष्म वेद से परिचित नहीं है। तो इससे यह भी सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म वेद की जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। ऐसे ही पवित्र चारों वेदों का वक्ता ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म यही ज्योति निरंजन जो जिसने गीता बोली श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, ऐसे ही उसने वेदों को परमात्मा की दया से उसने एकदम बाहर निकाले थे, फिर उनको स्वयं पढ़ा, फिर स्वयं पढ़ करके उसको अन्य ऋषियों को अंदर प्रवेश करके उसने ये ज्ञान बोला। और ब्रह्मा जी को चारों वेद एज इट इज लिखे हुए लिखित रूप में दिए गए थे। तो पुण्यात्मा यहाँ पर बहुत सी ऐसी धारणाएं होती हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित हैं और जिस कारण से हम इन बातों को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। इन माइंडलेस मैन जो थे, महर्षि को आया करते थे जिनको ज्ञान कति नहीं था, वो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में कागज कहाँ से आ गए, लिख कैसे दिया, आदमी कहाँ से आ गए फिर प्रारंभ में। कहते हैं व्यक्ति तो भगवान ने उत्पन्न कर दिया, फिर एक कागज उत्पन्न करते हैं भगवान कह के माट लग जाएगी। ऐसी बेतुकी बातों पर जीव को अड़ा कर रख दिया। तो इस प्रकार हमने आत्म ज्ञान को समझने के लिए अग्रम अग्रम छोड़नी पड़ेगी। हमारे अंदर ये भावना आ जानी चाहिए भगवान जो चाहे सो कर सकता है, एक वचन में सब ब्रह्मांडों की रचना कर सकता है, एक सेकंड के अंदर सबका विनाश करके इनको तय करके रख सकता है, और दूसरी सेकंड में एज इट इज कर सकता है, जैसे आप बैठे हो एज इट इज नो का नो वहीं से शुरू करवा दे आपके जीवन को। इसका नाम समर्थ शक्ति परमात्मा कबीर देव है। मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, हे साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं सवेत। परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। जब तक आपके मन में ये खरपतवार भरा पड़ा है, खुरापात भरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो आप इस अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझ सकते, आपका प्रयत्न व्यर्थ होगा। पुण्यात्माओं, श्रद्धालु की श्रद्धा ब्लाइंड होती है, वो ब्लाइंड फेथ करता है, और ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन उस श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, उस स्वभाव का जो एक श्रद्धालु के अंदर होता है, वो ब्लाइंड फेथ करता है अपने गुरुओं पर, ऋषियों पर, जो वो बताते हैं, टीचर्स पर, जो टीचर होते हैं आध्यात्मिक टीचर। और उन्होंने, श्रद्धालुओं ने इन अज्ञानियों को महर्षि, मंडलेश्वर और परम धड़ी मान लिया, सतगुरु समझकर उन पर विश्वास कर लिया, उन्हें जो वचन कहे धार लिए, सरोधार्य कर लिए, वो दुरुपयोग किया उन्होंने। अभी तक मूर्ख बना रहे हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं, श्रद्धालु उनके पीछे लगे हुए हैं। अब आप जी को ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए फिर से आपने उसी स्थिति पाना पड़ेगा, क्योंकि काल ये चाहता है कि ये भगवान से दूर हो, किसी तरह हो, जैसे पूरा चीन नास्तिक बनवा दिया और रूस नास्तिक हो गया। क्योंकि जैसे महात्मा बुद्ध थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी था, स्वर्ग से सीधा आया था, राजा का लड़का था। जो व्यक्ति स्वर्ग से आया है तो यहाँ के सुख उसको कुछ नहीं लगते, उसका मन नहीं लगा, पिछले संस्कारों ने अंगड़ाई ली, वो घर त्याग कर चला गया, मनमुखी साधना शुरू कर दी, हठ योग किया, मरने को हो गया,
गया के अंदर एक माई ने उसका मुंह का दूध चावल लगाए। जब वो धीरे धीरे होश में आया, कुछ फिर आहार करने लगा, तब उसने कहा था, स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सॉल्वेशन, भूखा मरण तो भगवान नहीं मिल सकता। फिर उसके पिछले संस्कार थे कुछ, उसके कारण उसके वचन में शक्ति थी, लाखों लोग अनुयायी हो गए, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। जैसे पूरा चीन महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उसके साथ धार्मिकता से लगे थे, ना कि राजनीति से। अब आगे चल के महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए साधनों से, वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से कोई लाभ हुआ नहीं। वो नास्तिक होने थे, क्यों भगवान है नहीं फिर। तो ये यही चाहता है कि जैसे ही ये लाखों करोड़ों व्यक्ति नकली गुरुओं के पास पहुंच गए, अच्छी आत्माएं श्रद्धा से बैठे हैं और सोचते हैं मोक्ष होगा, अब उनको इस ज्ञान का पता चलेगा परमात्मा के सच्चे ज्ञान का, तो वहां से भागेंगे वह। ऐसा कोई पागल नहीं आज के दिन, ऐसा बावड़ा नहीं है कि उन मूर्खों के फिर भी चिपका रहेगा, और फिर भी चिपका रहेगा तो है उल्लू पड़ा रहेगा वहां पर। तो यहां जब आएंगे वो व्यक्ति इन, क्योंकि वो ज्ञान तक ज्ञान सुन रखा उन्होंने, और वो 20-20 वर्ष से ठोक रखा अंदर, अब वो धीरे धीरे जब ये ज्ञान यहां से शुरू होगा तो वो उनके मन में वो खुरापात विद्यमान होंगे जो पहले अज्ञान सुन रखा। वहां तो वो ब्लाइंड फेथ कर रहे थे, अब यहां ब्लाइंड फेथ हो नहीं सकता क्योंकि वो दूध के जले हुए हैं, अब छाछ को भी फूकेंगे तो उनको टाइम लगेगा सेट होने में। इतनी और उनका दुर्भाग्य है कि वहां से लोगों के फंस गए जिनका ज्ञान बरात भर दिया आपके अंदर। लेकिन अंत में फिर आपने जब ये ज्ञान और ये प्रमाण सामने आएंगे, फिर आपने पुनः फिर ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा इस दास के ऊपर। और जब आपके हृदय की अग्रम मग्रम खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तब भक्ति शुरू होगी। गीताजी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, साधक बनेगा। नहीं तो कभी कुछ इधर ध्यान जा रहा है, कभी वो सच्चा होगा, वो झूठा होगा, वो कैसे होगा। इनसे हट ले गिर एक तत्व ज्ञान पाश्रित हो जाएगा जब तेरी साधना प्रारंभ होगी। तो दास का प्रयत्न है कि आपके सारे ये संशय नाश करूं और तत्व ज्ञान से आपके आपको पुनः फीड करूं, भरूं, और फिर आपके अंदर एक आस्था भगवान पूर्ण परमात्मा की इतनी दृढ़ हो जाए कि आप फिर डगमग ना हो, और इसके बिना आप इस मार्ग पर चल नहीं सकते, क्योंकि काल का दाव है, पल पल पर वो छल करता है। उसका तो उद्देश्य यही है कि पुण्यात्मा भक्तिहीन हो जाए, नास्तिक हो जाए, विशेषकर कलयुग में। कलयुग में क्यों? क्योंकि परमात्मा से इसने वचन ले लिए थे कबीर भगवान से, इस काल भगवान ने, कि प्रभु 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा हर वचन मोहे दीजे तब तुम गमन संसार ही कीजे। कि चौथे युग में कितने जीव ले जाना, लेकिन चौथे युग में ये भी प्रार्थना की थी इस काल ने कि हे प्रभु, जो आपके ज्ञान को स्वीकार कर ले वो आपका, और आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे तो उसके साथ जबरदस्ती ना करना, वो मेरा। परमात्मा ने कहा ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, क्योंकि भगवान के ज्ञान को सुनकर ही हम इनसे चिपक सकते हैं, नहीं तो काल का जो जाल है उसमें साधना भी कर रहे हैं, सारी बकवाद भी कर रहे हैं, तो ठीक है, वो भक्ति है नहीं वहां पर। कहते हैं साध सोए जो सीधा चाले, भगत वही होता है साध माने साधक, जो सब बुराइयों से बच गए और यहाँ की स्थिति से परिचित होकर के सही सीधा चले, मर्यादा में रहे, बुराइयों से बच कर चले, संसार के जो चोज हैं इन चोचलों से बच्चे, नाचना गाना फंड करना डीजे बजाना, ये कोई एक भक्तों के लक्षण है। फिर उनको डर नहीं भगवान का। तो ये काल चाहता है कि ये भक्ति ना करें, नास्तिक हो जाए, और ये नाचना गाना डीजे बजाना
ब्याह के ऊपर इतना खड़द उतार दे, दो बच्चों का संस्कार जोड़ना, चार आदमी बैठ के ये कहना भी हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करते हैं, ब्याह हो गया, इसका आगे कितना फंड कर लो बता, शादी बच्चों की वचन से हो गया, वचन से पराये होते हैं, वचन से सारी सृष्टि रची हुई है, वचन के ऊपर रहे आदमी खरा तो उसको हर तरह से सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और फिर नाचना और गाना और फलाना करना, इतने दान दे दिए, वो तो अपने सिर पर भार रखना है, गदा बनना उसका, किसी के पैसे पास था रख के कभी सुखी नहीं हो सकता प्राणी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हम ये विष खा ही रहे थे, अब पता लग जाएगा कि ये तो बहुत भयंकर काम है। कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कौन बिराने बार न डोवे। फिर जैसे कल आपको कथा सुनाई थी, एक साधु संत बन रहा था नकली, एक भगत ने उसको प्रार्थना की आप भक्ति कर लो, हमें सेवा मिल जाएगी संत की, वो उसके चौबारे में रहने लग गया। भगत सेवा करता, वो खा कर सो जाता, कुवाड़ बंद करके महात्मा साधना करता है। फिर वो मृत्यु के उपरांत उसके ही घर पर बैल बना और बैलगाड़ी में जोड़ कर उसके खाए हुए के पूरे कर रहा था, जब परमात्मा गरीबदास जी को उस पर दया आ गई नकली पे, तब उसको बताया भाई तूने भक्ति करी नहीं और इसका अन्न खाया, ये पूरा करना पड़ेगा तुझे, लठ खा के कर ले तो राजी खुशी कर ले, पूरा करना पड़ेगा। फिर वो चल पड़ा अपना सीधा होके, तो कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तो आप किसी से दहेज लेते हो, वो आपके ऊपर भार बन गया, और उसका फिर पूरा आपने देना पड़ेगा, किसी का बैल बनोगे, किसी की भैंस बनोगे, किसी का खच्चर बनोगे, वो पूरा करना पड़ेगा, फिर क्यों सिर में दर्द करे। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे विष का कोई कण पड़ा हो किता है, और आपको पता है यू कण है और विष का है, हाथ भी ना लाओ, एक किसी और वस्तु से पकड़ के किरा कित फेंकाओगे, तो ऐसे जो आप ये क्रियाएं कर रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, या किसी से दहेज ले रहे हो, या किसी की हेरा फेरी कर रहे हो, हैं, या कोई ब्याज ले रहे हो, कहते हैं ये जहर खा रहे हो आप, तो गिलास के गिलास पी रहे हो, अरे किरका भी जहर का खाना नहीं गवारा होगा। तो कहने का भाव ये है कि हम अज्ञानता के वश नालाकी कर रहे हैं, और जब पता लग जाएगा इतनी भयंकर मार पड़ेगी इसकी। तो जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते कौन खाओ फिर जहर ने, पता लग गया था तो बिना ज्ञान के दुख पा रहे हम यहाँ पर, और भगवान देगा जो पूरा पटेगा किसी के दूसरे के धन से, चोरी से, आज तक कोई सेठ नहीं हुआ। अब जो प्रसंग चल रहा है हम वहीं आते हैं कि जो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करते हैं, उनको कोई उपलब्धि आध्यात्मक मार्ग की नहीं होती। परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ें, डूंगर कहते हैं ऊंची सी पहाड़ी पाल टीले पर जहां से दूर से दिखाई दे, डंब करें डूंगर चढ़ें अंतर झीनी झूल, और जग जाने ये बंदगी करें ये बो है सूल बबूल। आम जनता तेनों सोचे बड़ा साधक साधना कर रहा है, देखो सुबह से लेकर शाम तक अपना तप करता है, तो परमात्मा अपने उन उस आध्यात्मिक मार्ग में बताते हैं कि जनता जाने ये भक्ति कर रही बो है सूल बबूल, इधर दंभ कर रहा है, ऊपर बैठ कर ढोंग कर रहा है, दिखा रहा है आपको परमात्मा के पाने की भक्ति जो है बहुत सिंपल है, और उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आना पड़ा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए। जैसे कल रात का सारा ही सत्संग इस उद्देश्य पर था कि परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा क्या करता है, तो उस परमात्मा के विषय में आपने पवित्र वेदों में, पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान शरीफ में ये देखा कि वो भगवान मनुष्य सदृश है, मनुष्य जैसा है, लेकिन उसके शरीर का तेज बहुत अधिक है,
और वो ऊपर रहता सतलोक में, तख्त पर विराजमान है, और वहाँ से गति करके सतलोक से, धूलोक से, उस तीसरे मुक्ति धाम से गति करके वहाँ से प्रस्थान करके चल के आता है। और यहाँ वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, और अच्छी आत्माओं को मिलकर वो अपना तत्व ज्ञान आप ही बताता है। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव ने जो लीला की वो 600 वर्ष पहले की थी, वो उनके जीवनी के अंदर भगवान की लीलाओं में लिपिबद्ध है, वो लिखी हुई है। और आज वेद हमने देखे, इससे पहले वेदों को कोई समझ नहीं सका, उन वेदों में यही लिखा कि वो परमात्मा तीन स्थिति के शरीरों से, शरीर से तीन प्रकार की अपनी वेशभूषा से, शरीर की वेशभूषा, यह शरीर भी हमारा एक वेशभूषा है अपने, और नीचे ओरिजिनल शरीर अलग होता है हमारा सभी का उसके ऊपर, तो तीन प्रकार के शरीरों धारण करता है और उनसे हम सबका धारण पोषण यानी सबकी संभाल करता है। एक रूप में मनुष्य सदृश शरीर है परमात्मा का, सतलोक में और ऊपर के लोकों में अलग अलग रूपों में विराजमान है। तो सतलोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो अभी परमात्मा का प्रकाश उनसे अधिक है, एक रोमकूप का इतना तेजो में शरीर है, लेकिन गर्मी नहीं है। और फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब आता है, वो प्रत्येक युग में एक लीला करता है, नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट होता है, और बाहर जंगल में, नगरी से बाहर वन में एक तालाब के ऊपर, जहाँ किसी दरिया से कोई लहरों के माध्यम से ऐसा कोई जल भरा हो, उस सरोवर के अंदर प्रकट होता है कमल के फूल पर। और ये सब कार्य परमात्मा अपना निर्धारित उद्देश्य लेकर आता है, उसे आधार से करता है। फिर उसको कोई अच्छी आत्माएं उठा कर ले जाती हैं जो पिछले संस्कारी होते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है, आपको दिखाएंगे धीरे धीरे, सारा परिचय कराएंगे। और उसको फिर वो धीरे धीरे जो बड़ा होने लगता है, छोटी ही आयु में परमात्मा अपना जो उद्देश्य लेकर आता है वो तत्व ज्ञान को प्रचार करना शुरू कर देता है। और उस परमात्मा के ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान मंडलेश्वर सब फिट्टे मुंह हो जाते हैं, उनको जवाब नहीं आता है। तो इस प्रकार परमात्मा दूसरी प्रकार की जो शरीर से लीला करता है वो शिशु रूप धारण करके आता है, और ऐसे ही जनसाधारण की तरह कार्य करता है, अपना निर्वाह अपने हाथों से करता है। और वो पूर्ण परमात्मा भी होता है, और एक भक्त के भी लक्षण उसी में पूरे होते हैं, और एक तत्वदर्शी संत भी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट वही होता है, और एक अच्छे नागरिक का रोल भी वही करके दिखाता है। हमारे को एक एग्जाम्पल कोड करते हैं भगवान कि इस लोक में आप जी ने परमात्मा पाने के लिए ही प्रयत्न करना है, यहाँ की अन्य वस्तुओं की तुम इच्छा करते हो, तो अभी आप बालक हो, खिलौने मांग रहे हो, और ये खिलौने टूट जाते हैं फिर रोते हो। तुमने क्या चीज मांगनी चाहिए यहां से? साई इतना दीजियो, जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखो जावे। कि हे परमात्मा इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं फुलफिल हों, इतना दीजिए दाता, और हम भी भूखे ना सोएं, और कोई अतिथि आ जावे वो भी भूखा ना रहे, इसे अधिक नहीं चाहिए। परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25, कह कबीर अधिका गह ताको नहीं बिचार। अपने 3.5 हाथ का ये शरीर होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपने 3.5 हाथ यानी इस कोनी से लेकर और यहां तक का ये हाथ कहलाता है इतना,
और इसको आप 3.5 नाप के किसी रस्सी से अपने नाप के देखना पूरा पाओगा। तो कहते हैं करते 3.5 हाथ, यानी आप उसमें आराम से लेट जाओ, पूरा हो जाए। और गणा तो 4.25, यानी और गणा करे 1 फुट फालतू कर ले। और इससे ज्यादा की डिमांड है तो व्यर्थ की बकवाद है वो। अब इससे आप समझ लेना, कहने का भाव इतना नहीं है कि तड़के अपने घरान फोड़ कर एक इतना बना बैठ जाओ। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि 1 चारपाई पर सोना है और वो 3x6 फुट में आ लेगी। एक कमरे में आपका काम चल सके खूब, गना कर 2 बना लो। इससे अधिक कोशिश ना करना। वो परमात्मा दे तो अच्छी बात है, 2 बन जा 3 बन जा बस, इससे ज़्यादा का प्रयत्न ना करना। यानी जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो अलग बात है, कोई ठीक भी बन रही है तो बनी रही, अच्छी बात है, लेकिन भक्ति उद्देश्य मूल रख है। और जिनके पास पूर्व जन्म की कोई ऐसी पुण्य नहीं है और वो झोंपड़ी में भी रह रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं भक्ति ही करनी है। उस 4 कमरे वाली कोठी में भी भक्ति करेगा तो उसका उद्धार है, नहीं तो वह कोठी साथ नहीं दे, ना वह चाल साथ। और एक झोपड़ी में प्राणी रह रहा है वो भी भक्ति कर रहा है, तो दोनों को एक सी उपलब्धि है। और झोपड़ी वाला इससे चक्कर में रहा, मैं भी कोठी बनाऊं मनू कर लूं, तो ये व्यर्थ प्रयत्न है। इनसे अपना मन हटाना। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा, जैसे कल सत्संग के अंदर आपने सुना था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, वो 3 सतिथि में उसका शरीर है, तो दूसरी सतिथि में वो हमारी कैसे देखभाल करते हैं, कैसे धारण पोषण करते हैं। वो एक बालक रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर एक अच्छे नागरिक की तरह एक जीवन जीकर दिखाते हैं। परमात्मा कबीर जी जुलाहे का कार्य करते थे, धानक का कपड़ा बुनते थे, लोगों का सूत आता था, उस सूत को से कपड़ा बनाकर उससे जो मेहनताना प्राप्त होता था उसको ग्रहण करते थे। और उससे भी कोई बच जाता था घर में, भोजन से पैसा बच जाता था, उसको फिर भंडारे पर धर्मपुन पर लगा दिया करते थे। परमात्मा के घर में 2 उनके पुत्र पुत्री मुंह बोल रहे थे, 2 बच्चे मुर्दे जीवित किए थे किसी सरकमस्टांस में, किसी के जो है हठ योग को सेट करने के लिए, परमात्मा की महिमा को प्रकट करने के लिए। एक बालिका थी 13 वर्ष की, एक शेख तकी नाम के पीर की कब्र में दबा रखी थी। उस पीर ने बहुत ज़्यादा परमात्मा के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया था। राजा सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी से बहुत प्रभावित हो गए थे, क्योंकि उनको जलन का रोग था जो कबीर परमेश्वर जी की कृपा से वो स्वस्थ हो गया था, और कोई भी ट्रीटमेंट उसका काम करना बंद कर गया था। वो तो मृत्यु के दिन गिने था सिकंदर लोधी, दिल्ली का बादशाह, कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गया था। उसके बाद वो बहुत आदर करता था कबीर परमेश्वर का, इस कारण से वो उनका धार्मिक गुरु शेख तकी कबीर जी से ईर्ष्या करने लग गया, उनको नीचा दिखाने के प्रयत्न में रहने लगा, उसकी तह में रहने लगा कि किस प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा का इससे मन हटे, इसकी आस्था कम हो। इस उद्देश्य से उसने कहा था कि मैं कबीर को जब जानूं, ये कोई शक्ति युक्त है, मेरी बेटी ने जीवित करके दिखा दे जो कब्र में दबा रखी है। 1000 व्यक्ति इकट्ठे हो गए, दिन रख दिया, 3रा दिन कब्र फुड़वा दी और कबीर परमेश्वर ने वह बेटी जीवित कर दी। उस लड़की को अपने पूर्व जन्मों की चेतना आ गई कि मैं परमात्मा को छोड़कर बीच में चली गई थी, जिस कारण से मुझे बहुत दुख उठाने पड़े। वो अपने शरीर के पिता को छोड़कर अपने परम पिता के साथ कबीर जी के साथ चली गई कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तेरा मेरा हिसाब हो लिया था शेख तकी, मैं मर चुकी थी, तेरा मेरा संस्कार शेष नहीं है। तो वो लड़की 12-13 वर्ष की थी, वो परमात्मा ने अपनी बेटी की तरह रखी। ऐसे एक लड़का था, उसको अंतिम संस्कार करके जल में प्रवाह कर दिया गया था। उसी शेख तकी ने राजा सिकंदर लोधी के नाक में दम कर दिया कि मुझे कोई ऐसा मुर्दा जीवित करके दिखा दे तो मानू कबीर को, नहीं तो मैं मुसलमानों को भड़का दूंगा, तेरे राज का नाश करवा दूंगा। तब इस शर्त पर
परमात्मा ने उस मुर्दे लड़के को जीवित किया था, वो भी 10-12 वर्ष का लड़का था। उसके बाद वो लड़का भी परमात्मा के साथ पुत्र रूप में रहता था। तो इस प्रकार एक पुत्री एक पुत्र थे जो अपने वचन से जीवित किए हुए बालक थे, और मुंह बोले माता पिता थे उनके, अपने माता पिता नहीं थे, वो तो सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। नीरुनिमा नाम के निसंतान दंपति थे, उनको परमात्मा कमल के फूल पर जल में लहर तारा तालाब पर प्राप्त हुए थे। तो ऐसे कुल मिला के परमात्मा का 5 सदस्यों का परिवार था। हाथ से कपड़ा बुनते थे, माता पिता वृद्ध हो गए थे, और उस कपड़े से जो भी पैसा मिलता था मेहनताना उससे अपना गुजारा करते थे, और फिर भी पैसा बच जाता था उसका भंडारा करते थे। तो ये लीला करके दिखाई भगवान ने कि तुम जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे रहना इस संसार में, और यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखोगे, परमात्मा पर आपका दृढ़ विश्वास होगा, तो आपके ऊपर आने वाले सभी संकट दूर होंगे। इसलिए मालिक ने ये बताई थी कि ये साधना ऐसे बनती है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथ इदम अमृतम बसमानतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्वे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। ये ब्रह्म का साधन, ब्रह्म की भक्ति है। और गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ब्रह्म ने सचिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म ने तिरविद समर्थ है। उस परमात्मा सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् और सत। ओम तो ब्रह्म का, तत् यह सर्वपुरुष का सांकेतिक है, वो अलग मंत्र है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है, परम अक्षर पुरुष का है। ये मंत्र भी गुप्त है, ये दास दे सकता है, इस पृथ्वी पर किसी को अधिकार नहीं है उस नाम के देने का, ना ही उसको वो से वो परिचित है कोई। और यदि मुझ दास से प्राप्त करके ये मंत्र कोई स्वयंभू संत बनकर किसी को गुमराह करने की चेष्टा करता तो अधिकारी नहीं है, उससे भी आपने बचना है, औरों को भी बचाना है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, नकली पासपोर्ट बना रहा है। और फिर जीवन अंत के समय जब तुम्हारा जीवन अंत होगा तो सतलोक जाने की तैयारी होगी, फिर वो पासपोर्ट की पहचान होगी ऊपर, ये अधिकारी था कि नहीं जिसने तुझे नाम दिया, तो जीवन नष्ट हो चुका होगा, फिर कुछ नहीं बात बनेगी, पहले सावधान होना है। तो ये क्या बताया है कि सभी ने, जो भी संत हैं या परमात्मा आए थे, उन्होंने जो साधना बताई यथार्थ, और जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उन्होंने हठ योग नहीं किए, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम साधना नहीं की, उन्होंने तो चलते फिरते उठते बैठते अपना कर्तव्य कर्म करते करते परमात्मा की भक्ति का विधान बताया, जो सभी सदग्रंथ और संत इसी को प्रमाणित करते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने स्वयं आकर के ऐसा जीवन जीकर दिखाया कि ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, और भगवान साथ हो गया तो फिर क्या नहीं कर सकता, अब परमात्मा हमारे साथ होगा। और सभी कहा करते हैं कि भगवान ना रूठना चाहिए, संसार वैसे कर रूठ जा, रूठो जग सारा, रूठो ना भगवान हमारा। तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हम साधकों ने प्रयत्न करना है, और किस तरीके से भगवान राजी हो, किस तरीके से, किस विधि से भगवान प्रसन्न हो, हमने वो सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तो वो तरीके स्वयं परमात्मा आकर बता के गए, एक तो छल कपट नहीं करे, चोरी ठगी जारी नहीं करे, किसी की आत्मा नहीं दुखा अपने स्वार्थवश, और भी मन कर्म वचन से भी किसी को दुख नहीं दे। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, हम मन में बुरा सोचते भी हैं किसी का, वो भी अकाउंट आपका लिखा जाता है।
और यदि आप किसी का भला सोचते हो और आप कर भी नहीं सकते हो तो भी आपका गुड अकाउंट बनता है, अच्छा लेखा बनता है। तो हमने पहले तो अपने आप को बहुत सेट करना पड़ेगा, हम गणे बिगड़ गए एक दिन से नहीं, हम तो असंख्य युगों से बिगड़े हुए हैं और अब हमें सेट होने का यो मार्ग मिला है, विधि मिली है, ये औषधि मिली है जिससे हमारे अंदर की विकार जलेंगे, इस ज्ञान से हम सेट होवांगे और फिर सेट होवांगे तभी परमात्मा के निकट जाएंगे। क्योंकि हम सभी प्राणी एक ही परमात्मा के हैं, चाहे हाथी है चाहे चींटी है, राजा है या रंक है, हिंदू है मुसलमान या सिख या ईसाई है। इस काल ने हमें भ्रमित करके अलग अलग बना दिया। हम अलग हुए क्यों करें? क्योंकि हमने भगवान की चाह है, हमने भगवान पाने के लिए ही हम मुसलमान बने, परमात्मा पाने के लिए हम हिंदू बने, भगवान के लिए हम सिख बने, भगवान के लिए हम ईसाई बने क्योंकि ईसा जी के वचनों का अनुसरण करने वालों को ईसाई कहने लगे। तो हम इसलिए अलग अलग हुए। अब हम बुद्धिमान हैं, पहले तो हम एक व्यक्ति पर आश्रित थे, किसी संत गुरु पर, उसने जो बता दिया हम सही मानते थे। अब हमारे सभी सदग्रंथ और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाए उनके विचार ये बताते हैं और उनके सब एक मेल खाते हैं। तो हमने अब उन भ्रमित वचनों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हैं, चाहे वो मुसलमान धर्म के या सिख धर्म के हैं, जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है उनको त्यागना पड़ेगा और तभी हम भगवान के निकट जा सकते हैं। तो वो कौन से हैं, उसमें चाहे मर्यादा भंग हो, चाहे को धार्मिक हमारे लोग नाराज हों, इसकी परवाह नहीं करनी है, हमने अपना कल्याण करवाना। तो इस प्रकार हम उस परमात्मा के निकट पहुंच सकेंगे। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भगवान ने स्वयं आकर के हमें यही बताया है कि मैं जो रिहर्सल करके दिखा रहा हूं तुम ऐसे रहना। अब परमात्मा ने क्या क्या लीलाएं की? साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जावे। यानी जो भक्ति हम करते थे, जो साधना हम करते थे, किसी ने भी कैसे ही बता दिया हम उसी तरह करने को तैयार हो जाते थे। अब प्रसंग चल रहा था कि ये सुबह 2.5 घंटे शाम न 2.5 घंटे बैठने का विधान ये संत मत का नहीं है, ये तो हठ योग है। और ये तो हजारों वर्ष करके देख लिया इससे कुछ भी ना मिला। और कहते ध्यान लगाते हैं, ये नकली पंथ वाले कहते हैं सीधा त्रिकुटी पर जाते हैं, और त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे है इस बैक साइड में। और कहते हैं त्रिकुटी से हम सीधा ऊपर को चलते हैं। ऊपर कहाँ जाओगे तुम? न सतनाम का बेरा ना सतलोक का बेरा। सतनाम को कहीं तुम सथान बता रहे हो और सतनाम को कहीं सतपुरुष बता रहे हो। और सतनाम तो जड़ है सारे मार्ग की। सतनाम दो अक्षर का मंत्र है, इसमें एक ओम है एक तत् है। तत्व सांकेतिक ये दास बताएगा, जो जिनको सतनाम प्राप्त है दो अक्षर का, वो श्वास कुश्वास से उसका सिमरण है, तो वो सतनाम है। इनको सतनाम का ना मेरा नाम दे, ये पांच ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, ये तीनों काल के सर्व में, और सोहम और सतनाम, यहाँ सतनाम नाम बता रहे, वहाँ यत इनकी जो एक पुस्तक है ये वार्तिक इनकी, जो उसके अंदर लिखा है कि वो सतनाम चौथा लोक है, चौथा मंजिल है, और फिर वही सार शब्द है, वही सार नाम है सतनाम ही, और सतनाम ही सचखंड सतलोक है, सतनाम ही सतपुरुष है। अरे झूठा ज्ञान, और ध्यान कहाँ लाओ तुम? ये बाद विदा चतुराई, तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, तुम ध्यान कहाँ लगा रहे हो? तुम्हारा थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल क्या करोगे तुम? तो जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा मिला, किन किन ने मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसादास साहिब जी को, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों ने परमात्मा पाया और उन्होंने उनकी साधना देख लो उन्होंने कैसी की। जैसे गरीबदास जी किसान थे, खेती करते थे और भक्ति भी करते थे, और परमात्मा स्वयं आए थे
दुलाहे का कार्य भी करते थे वो, कभी हठ योग उनके जीवन में आप दिखा दो इतिहास में, उनकी वाणी में कहीं भी किया या लिखा हो। ऐसे ही आदरणीय नानक साहब जी इस खेती करते थे, पहले तो नौकरी करते थे, वो नौकरी भी त्याग दी जो भगवान से परिचित हुए, सचखंड जाकर वापस आए, वहाँ देखा भगवान को, सतपुरुष को, कबीर साहब को, वापस आते ही सब नौकरी भी त्याग दी और 12 वर्ष तक परमात्मा का प्रचार किया इधर उधर घूम फिर कर। फिर परमेश्वर का आदेश हुआ कि आप बैठ जाओ, आपका विरोध बहुत हो जाएगा, काल के दूत सक्रिय हो गए हैं, आप घर पे अपना साधना करो और आने दो समय। अब इस नाम को गुप्त रखना, नानक साहेब जी को कह दिया गया था कि इस सतनाम को, ये 2 अक्षर का जो मंत्र है ओम और दूसरा तत्, इन दोनों का जाप स्वयं नानक साहेब जी करते थे, लेकिन आगे किसी को ये नाम प्रदान नहीं किया और ना ही इस नाम का जाप करने का आदेश दिया, क्योंकि परमात्मा का आदेश था। जैसे कबीर परमेश्वर जी की वाणी में लिखा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम कितबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी, और बिचली पीढ़ी हंस नितरही। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ मिट जाई। एक तो मूल ज्ञान है, जो ज्ञान मूल ज्ञान ये ज्ञान है जो अब दास आपके समक्ष रूबरू करा रहा है। एक मूल मंत्र है सतनाम सार नाम, इनको भी गुप्त रखना था, नित्यकाल के दूत सारे यही नाम देते मिलते, वो अधिकारी वो है नहीं, और जनता भ्रमित हो जाती कि वो भी वही मंत्र देते हैं, वो भी वही साधना बताते हैं। एक कोगल है, अब वो एक कोगल भी ना छोड़ी परमात्मा ने, सी दया बख्शी, वो उवा बाई बखते हैं, एंड वेंड के नाम देते हैं, और पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, पांचों काल आप पे कहें जिसको, ये तुलसीदास आथर्स वाले को ये मानते हैं कि इन्हीं की कुछ प्रेरणा पा करके तो इस शिवदयाल जी जो थे इनके परम धनी, उन्होंने प्रेरणा पा करके साधना शुरू की थी, लेकिन उनका गुरु नहीं बताते वो, तो वो पांचों नामों को काल का बताते हैं, ये पांच नाम पर घाटा जोड़ रहे तो ये कहाँ जाएंगे, इसी देख काल के मुख के अंदर हैं। तो पुण्यात्माओं, दास के इस प्रयत्न को निंदा या किसी का वो नहीं समझना, एक परोपकार समझना। कई भक्त कहते हैं आपके गुरुजी जो है निंदा करते हैं दूसरों की, नहीं। जैसे एक बार किसी ने 500-500 के नोट नकली छाप लिए और वो ठग रहा था जनता को, सरकार को पता चला, और ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाए थे कि ये ओरिजिनल है, इसमें ये लक्षण है, ये डुप्लीकेट है, अगर ऐसा हो तो उसको ग्रहण ना करना, वो नकली है। तो कोई ये कहे कि ये निंदा कर रहे हैं क्यों, किसी के नोट को बेकार बता रहे हैं, तो वो निंदा नहीं थी, महापरोपकार का कार्य था सरकार का, लाखों लोग बच गए ठगने से, तो दास का वही प्रयत्न समझ लेना, ये किसी की निंदा नहीं है, ये महापरोपकार का कार्य कर रहा है, अंत में देखना इसका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। रोया करेंगे वो प्राणी जो ऐसे नकली लोगों के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे, रोया करेंगे उनको और धिक्कारा करेंगे उन नकलियों को, तुमने अपना जीवन खोया, हमारा भी खो दिया। अब प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते रहे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। अब किसी भी संत को देख लीजिए, फिर 12 वर्ष तो नानक साहब जी ने इधर उधर जा करके प्रचार किया प्रभु का, तत्व ज्ञान का, फिर 16 वर्ष तक अपने घर पर रहकर खेती की जैसा भी वो कर सकते थे उसमें, और अपनी भक्ति भी की, कोई उनके पास आ जाता था उनको तत्व ज्ञान समझाते थे, लेकिन सतनाम नहीं दिया किसी को। अपने आत्माओं कई कारण होते हैं, कई भक्त ये भी सोच बैठेंगे कि भाई नानक साहेब जी ने फिर नाम नहीं दिया तो उनके साथ जो अनुयायी बने हैं, सिख समाज बना है, तो उनका तो जीवन व्यर्थ हो गया। उनका जीवन व्यर्थ नहीं हुआ, कारण क्या था, जैसे उन्होंने एक ऐसी विधि बता दी, पुण्यात्माओं हम कोई एक दिन के जन्मे नहीं हैं, हम कोई एक जन्म में ही, इसी जन्म में हम ये दुख या कष्ट नहीं भोग रहे हैं, असंख्य जन्मों से हम कष्ट उठाते हुए आ रहे हैं,
असंख्य जन्मों से, और जब तक ये ट्रीटमेंट पूरा नहीं मिलेगा हमारा रोग नहीं कटे जन्म और मरण का। आज से 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले नानक देव जी को परमात्मा मिले थे। उन्होंने फिर उनसे कहा था कि अभी आप इस ज्ञान का प्रचार अवश्य करो, लेकिन यह सतनाम नहीं देना, ना बताना किसी को। तो अब शंका उत्पन्न होती है कि उनके अनुयायियों का फिर जीवन नष्ट हो गया, जैसे उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है, बाला और मर्दाना ये दो भक्त बहुत अच्छे सेवक थे, श्रद्धालु समर्पित थे नानक जी पर, तो आदरणीय नानक साहिब जी के साथ ही रहते थे। उनके सतलोक गमन के उपरांत जो द्वितीय सेकंड जो अधिकारी हुए नानक साहिब जी के, वो अंगद देव थे। उन्होंने बाला और मर्दाना से पूछा कि आप उनके साथ रहते थे, गुरु जी कैसी क्रियाएं करते थे, कैसे रहते थे, वो सब कथाएं सुनाई। एक समय की कथा सुनाई कि जब हमने प्रार्थना की नानक साहिब जी से कि हमें श्रीलंका दिखाओ, तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो, हमने आंखें बंद करी और कहा खोलो, तो खोली, हम समुद्र के किनारे खड़े थे। आदरणीय नानक साहब ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ इस समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर, और वाहे गुरु बोलते रहना। मर्दाना और बाला वाहे गुरु करते हुए चल पड़े। जब मर्दाना ने देखा कि गुरु जी तो ओम सोहम का जाप जप रहे हैं बोल बोल कह, तो मर्दाना भी ओम सोहम कहने लग गया, वो जल में डूबने लगा। आदरणीय नानक साहब ने कहा कि मर्दाना तू मेरी नकल ना करे, मैंने जो कहा तू वही बोल। मर्दाना फिर वही वाहे गुरु करने लगा, फिर जल के ऊपर थल की तरह चल पड़ा। अब ये लीला नानक साहब जी ने क्यों किया, उन्होंने परमात्मा चाहिए था और परमात्मा ही उनको गुरु रूप में मिले थे आकर के। कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद चौरासी के, गुरु वचन निश्चय कर माने पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो वो संत थे, उन्होंने अपना कल्याण करवाना था, जगत से कुछ नहीं लेना था। अब यहाँ थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, जब तक आप इससे ओतप्रोत नहीं हो जाओगे, आपका मन टेकण ना दे तुमने, आपके मन के सारे सिकंजे काट देने, सब की ये खत्म कर देने हैं इसकी सारी बकवाद, ताकि वो सेट हो जाए और आपने तंग ना करे, भक्ति कर लेने दे। इसलिए सब प्रमाण उन महापुरुषों के दिखाए जा रहे हैं ताकि ये मन बकवाद छोड़ दे और आपका सहयोगी हो जाएगा। और जब ये आपका सहयोगी हो जाएगा, यो काल का एजेंट है, इसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, फिर यो इधर भी डूंडा उठा देगा। आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली, देखिएगा सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके प्रकाशक हैं। ओम सतगुरु प्रसादी, ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी, श्री गुरु नानक देव जी दी, पंजे साहिबां दी साखी ते दसां पादशाहां दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक श्री डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये कहाँ से छपी है, पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। तो अब इसके 547 पृष्ठ पर समुंदर दी साखी, पृष्ठ 547, यहाँ से पढ़ेंगे। बाला संधु वाच, ये बाला संधु वाच, संधु इसका गोत्र था बालाजी का, बाला संधु वाच। अब वो बाला संधु बोला, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी जीतिए कोलों, जीतिए पासों विदा होए, अजीते ते विदा होकर आगे चले, ता मर्दाने किया सच्चे पातशाह
जी असा समुंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, अखी मिटो जा अखी मीट के खोलिया ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ। मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ ते आगे आगे गुरु जी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पे जा चले जावन ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपन ते लगा गोते खावन। जा गुरु नानक जी देखन ता मर्दाना गोते खांदा है ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है ता मर्दाना फिर लग्या वाहे गुरु कहन ता फिर चल जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। ये हो सकता आपका पंजाबी ना समझ माई हो, नहीं पढ़ सकते हो तो एक हिंदी और दिखाते नहीं के दौरान अनुवादित है देखिएगा, क्योंकि दास का उद्देश्य है कि संशय का नाश करूं कति। ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये प्रकाशित है, ये इसके प्रकाशक है, इसके 559 पृष्ठ पर लिखा है। ये वही है पंजे साहिब और 10 पादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से। इसके केवल प्रकाशक और अनुवादक बदले हैं, बाकी वो मैटर जो का तो है। ये है 559 पृष्ठ और समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाना ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे मर्दाना से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहेगुरु ही जप तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाने वाहेगुरु नाम की रट लगाई फिर वह पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। पुणात्मा ये आध्यात्मिक मार्ग है, अभी तक छुपा के रखना था, परमात्मा का आदेश था, इसी में हमारा हित था जो महापुरुषों ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। अब पूरे सिख समाज में ये मंत्र नहीं है और इस कारण से क्योंकि गुरुजी ने मना कर दिया तो ये सपने में भी नहीं, इसका जिक्र भी नहीं किया किता है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जब संग्रह करने लगे अंगद देव जी, वैसे इनका संग्रह तो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था, फिर भी वाणी सभी महापुरुषों ने जैसे जैसे लिखी थी उस समय इस उद्देश्य से कि गुरु जी का आदेश है, ये मंत्र किसी के हाथ नहीं लगे और इसका जाप नहीं करना, किसी को पता भी ना लगे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब की जो संग्रह किया वाणियों का
उस समय वो वचन ही छोड़ दिया जिसमें क्लियर मंत्र था, वो सब वाणी छोड़ दी। और इसलिए कि कहीं किसी के हाथ लग जाए और वो जाप ना कर ले गुरु जी की आज्ञा की, अवहेलना हो जाएगी। तो एक प्राण संगली बना रखी है सिख समाज ने ही, उस प्राण संगली के अंदर ये मंत्र लिखे हुए हैं, गुरु जी के वो शब्द लिखे हुए हैं जिसमें ये मंत्र स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जाप जप। और उसमें ये लिखा प्राण संगली के अंदर, गुरु ग्रंथ के समय संग्रह करते समय ये वाणियां बच गई थी, इनको अलग से संग्रह कर करके, और महले पहले की वाणी है ये, प्राण संगली नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई। अब इसका कारण क्या था? अब आपके शंकाएं उत्पन्न होंगी कि सिख गुरु नानक देव जी ने ऐसा क्यों किया, समाज को तो इसे वंचित रख दिया, यही मूल मंत्र है, इसी से कल्याण संभव है। अपनात्मा, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें देखता है कि इसको कोई अन्य ऐसी तकलीफ है, यदि अब इसको ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो ये काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या करता है, वो ग्लूकोज शुरू कर देता है, उसमें कुछ ऐसी औषधियां शक्ति की जिससे शरीर खराब ना हो, ऐसी औषधि डाल करके, ऐसे इंजेक्शन ला करके उसको चालू कर देता है, और वो फिर उसके कारण से वो शरीर नष्ट नहीं होता। तो हमारी जो भक्ति का प्रारूप बिगड़ गया और इसमें ठग ज्यादा प्रवेश हो गए, परमात्मा ने अपना वचन के आधार से इस समय तक इस भक्ति को लाना था, आप जी को भी भक्ति की आस्था में रखना था, इसलिए कोई किसी भी देव की पूजा करता था और उसके पुराने संस्कार, पिछले जन संस्कार अच्छे थे, तो परमात्मा आपको आपत्ति आने पर मदद करता था, ये करता था वो कबीर परमेश्वर ही। और हम ये सोचते थे कि मैं श्री कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, मेरे भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ऐसा लाभ दे दिया, परमात्मा ने इस चीज़ की कोई चिंता नहीं। वो ये चाहते थे कि आस्था बनी रहे इनकी भगवान में, वो चाहे पत्थर की मूर्ति पूज कर भी अपनी आस्था बना रहे, इससे मुझे लाभ हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहेंगे। इस समय तक इस भक्ति को और आपको दोनों को आस्था बनाए हुए यूं का यूं रखना था। अब जैसे गुरु नानक देव जी ने भंडारे शुरू किए, पहले तो उनके अपनी खेती से स्वयं अपना भंडारा अपने घर से ही करते थे, जितने भी 100-200 पर भगत थोड़े ही आते थे नानक साहब के पास, तो अपने ही घर से सबको भंडारा भोजन करवाते थे, फिर धीरे धीरे ज्ञान देते थे कि भाई भक्ति करनी चाहिए, भक्ति और धर्म करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए, भूखा भोजन देते हैं पहुँचेंगे प्रमाण, धर्म तो दसकें नहीं दसकें तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म पोख। फिर धीरे धीरे अनुयायियों को समझ माने लगा कि हे प्रभु कुछ हमारा भी पुण्यदान हो, हम तो आपका ही खा रहे हैं सारा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने परमात्मा, अब नानक साहब जी चाहते थे कि यदि आज मैं कह दूंगा तुम गरता आटा लाइयो घी लाइयो, एक नहीं आओगा, और नानक साहब जी अपने घर से उनका भंडारा शुरू कर दिया, फिर ज्ञान दिया, भगवान का विधान बताया तो उनके समझ में आ गई, तो उन्होंने स्वयं दान करना शुरू किया, भंडारे शुरू किया, अपने ही पैसे ला ला कर दान, कोई आटा लाता कोई घी लाता कोई गुड़ शक्कर ले आता। परमात्मा नानक साहब जी चाहते थे कि इनमें कुछ आस्था बने, फिर ये भंडारे शुरू करवा दिए उन्होंने। ये पांच यज्ञ होती हैं, इसमें एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, पांचवी यज्ञ ज्ञान की। तो ये पांचों यज्ञ शुरू करवा दिए नानक देव जी ने। अब इन यज्ञों से बहुत लाभ मिलता है लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब इनसे क्या हुआ, फिर आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ तो बहुत बाद में शुरू हुआ है, पहले ऐसे सत्संग करते थे, गुरु निर्धारित कर लिए बाद में, नानक साहिब जी के जाने के बाद उत्तराधिकारी बना दिए, तो उनके आदेश अनुसार वो वहाँ सब भगत कुछ कुछ लेके जाता था, कुछ लेके जाता था, फिर सामूहिक भंडारे शुरू कर दिए। तो इस तरह ये उनको पुण्य बन, उनका पुण्य होने लगा, परमात्मा की वाणी के सुनने से भी लाभ होता है, यज्ञ होती है, हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार नानक साहिब जी ने वो मंत्र तो दिया नहीं,
यानी वो इंजेक्शन तो लाए नहीं लेकिन ग्लूकोज जारी करवा दिया। उस ग्लूकोज के यानी यज्ञों से आपको कुछ तो पिछले संस्कार परमात्मा की वाणी से आपको क्या हुआ, मनुष्य जीवन मिलते हुए आगे, और 600 वर्ष पहले परमात्मा आपको बैटरी चार्ज कर गए थे। 600 वर्ष पहले जब आए थे परमात्मा ने ये 5 नाम दिए थे, 5 ओनली, ये सतनाम नहीं, उसमें केवल कुछ एक अधिकारियों को, जैसे आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गीसादास साहेब जी, आदरणीय मुलुखदास साहेब जी और आदरणीय धर्मदास साहेब जी, इनको तो ये मंत्र पूरे दिए थे इन्होंने सतनाम तक, और तीसरा मंत्र भी इनको दिया था, लेकिन इनको आदेश दे दिया था कि आप किसी को ये अभी रहस्य खोलना नहीं। तो इन्होंने जो परमात्मा की भक्ति की, तो साधनाएं की, इनको मना कर दिया था कि ये किसी को आगे दान नाम नहीं देना। तो उससे क्या हुआ कि उस समय इन 5 नाम के जाप तय, उस समय परमात्मा के 64 लाख शेष हो गए थे। उसमें ये 5 नाम कौन से दिए थे, निरंकार ओंकार नहीं है, जो आप जी को अब कंप्लीट मंत्र दिया जाता है 7 मंत्र का, 7 नाम का। इसमें बीच के जो 5 नाम है ये केवल दान करते थे पहले परमात्मा, और इन 5 नामों से हमें बहुत लाभ मिलता है, इनसे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता, संसारिक सुख भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अब जो कंप्लीट आपका कोर्स हो जाएगा, फिर ये मंत्र आपको सहयोग देंगे उस मोक्ष मार्ग में, ये कंप्लीट आपको धीरे धीरे बताएंगे। अब जो उद्देश्य चल रहा है वो बताना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सिख समाज को इस यथार्थ मंत्र से वंचित किस लिए रखा, कि उनको पता था अब ये ना तो मुक्ति प्राप्त कर सकते, क्योंकि 12 वर्ष तक नानक साहब ने संघर्ष किया, सब ने विरोध शुरू कर दिया, पंडित नारे चंगर गए, मुसलमान अलग से विरोधी हो गए, तो परमात्मा ने कहा अब ये ना छेड़ो इनको, आप अपनी भक्ति करो और जो भी तूने देखा है आपने वो एफिडेविट लिख दे। अपनी वाणी लिख दी, सारी वाणी लिख कर वो छोड़ गए। आज उनकी वाणी हमारे लिए एफिडेविट का काम करती है कि कबीर इज गो ढक्का, कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार, 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के, और 24 पृष्ठ पे लिखा है फाई सुरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाणा बोता भार ये धानक रूप करतार। तो उसमें अब 5 नाम दिया करते थे, ये जो आपको दिए जाते हैं ये है वो मंत्र। अब वेदों में दिखाऊंगा आपको, परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नाही। वेदों में सांकेतिक नाम है, ऐसे ही 5 नाम भी वो परमात्मा देता है, वो परमात्मा 7 नाम भी देता है, वो परमात्मा 3 नाम का मूल मंत्र भी देता है, और अलग से वो फिर उन 2 मंत्र दे करके वो तीसरे मंत्र का वो तीसरा नाम भी प्रदान करता है। यानी ये वेदों में भी लिखा है, लेकिन वेद परमात्मा की ही महिमा के हैं, लेकिन वो मंत्र कौन से हैं, वो 5वें वेद में थे, वो काल ने नष्ट कर दिए, उसको देने के लिए प्रभु स्वयं आते हैं। अब तो उस समय से सिख समाज के अंदर एक गुरु नियुक्त किया जाता था, और उसके बाद उसके आज्ञा अनुसार भंडारे करते थे, बस और कुछ नहीं, वाणी का पाठ करते थे, वाणी बोलते थे उसमें सत्संग के अंदर, और महापुरुष का अनुवाद करके सुनाते थे, और भंडारे होते थे भक्तों को। तो इस प्रकार फिर आगे चल के 5 नाम भी बंद हो गए थे। 5 नाम तो केवल कबीर परमेश्वर जी के, जब 64 लाख शेष हुए थे, उन 64 लाख शेषों को दिया था 5 नाम, और उससे फिर आप जी अभी तक मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। कुछ पिछले संस्कार जन्म जन्मांतरों के पुण्यात्मा हैं, उनका भी मनुष्य जीवन और साथ में भक्ति की आस्था आज तक आपकी बनी हुई है। तो जिस कारण से मालिक को पता था कि कलयुग के मध्य में, अब कलयुग का मध्य समझो ये, यानी अब से प्राइम टाइम है ये भक्ति का, और इसी में काल ने निरेजेंट छोड़ रखे हैं, जहाँ डड़ा उठा के देखे उड़े संत पावे,
और सैकड़ों हजारों की संख्या में उसके शिष्य पावें और कह कह का किसी को पता नहीं, सब मूर्ख बना रहे बोली आत्माओं को। तो इस समय तक आप जी को लाना था, भक्ति में आस्था बनाए रखनी थी, और सिख समाज को ये मंत्र इसलिए नहीं दिया कि जैसे ये राधा स्वामी पंथ सबसे पहले कबीर जी की वाणी को आधार मानता है, जो अपने प्रमाण वो दे रहे हैं अपने समर्थन में, और दूसरे नंबर पर गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है। और यदि ये मंत्र उनमें होता तो ये मंत्र ये देना शुरू कर देते। अधिकारी ये है नहीं, क्योंकि तो काल के दूत हैं, इनका गुरु शटार्ट से ही गुरु नहीं है। इनके जो गुरु जी थे शिवदयाल जी, जिनसे ये कहते हैं राधा स्वामी पंथ चला, उसका कोई गुरु नहीं। और यहाँ भगवान ने आकर के खुद भी गुरु बनाए, मर्यादा बनाए रखने के लिए। गुरु नानक देव जी के भी गुरु थे, परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए उनको, और उन्होंने उस नाम दिया, उनको शिष्य बनाया। और फिर गुरु नानक जी ने भी कहा कि मुझे सतगुरु मिलिया, दीक्षा दी नहीं, मुझे सतगुरु मिले मुझे दीक्षा दी नहीं। और सिख समाज कहता गुरु नानक जी का कोई गुरु नहीं था। तो ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है जिनको ऐसी वाणी बोलते हैं वो। तो कहने का भाव ये है, नानक साहेब जी ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया और उस समुन्द्र की घटना को इसलिए मुख से बोल कर बोला, नहीं तो सांस से सिमरन है इसका किसी पता भी नहीं लगे, जान के बोला कि अब इसको झटका लगेगा तो पूरा आने वाले अनुयायी इस मंत्र के निकट नहीं जाएंगे और इसका नामो निशान खत्म कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। और समय आने पर फिर ये जो उस समय लीला की थी नानक साहेब ने, अब ये प्रमाणित हो गया कि नानक साहेब भी ये दो अक्षर का मंत्र जाप करते थे, दो अक्षर का। और नानक साहेब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। अब संकेत करके कि वो पूरा गुरु होगा जो दो अक्षर के मंत्र को बता देगा। पुणात्माओं सत्कर मान लेना, इस दास को सन 1988 में मंत्र प्राप्त हुआ था, उस समय यही मंत्र था जो आज गुरु नानक देव जी ने बताया, और वही दास को मिला। और फिर 1994 में दास को आदेश हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से कि उपदेश शुरू कर दे, नाम दिया कर तू। उस दिन से आज तक यही मंत्र दास देता रहा है। और हमने नहीं देखा था गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब को तो हमने बहुत बाद में देखा है, उसमें भी ये मंत्र नहीं है कंप्लीट, जगह जगह पर है, अलग अलग लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं निर्णायक प्राण संगलीक में लिखा मिला, वो भी बाद में देखी थी हमने, और वेदों के अंदर भी बाद में ही देखा है परमात्मा की महिमा को। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो हमें प्राप्त हुआ था और जो परमात्मा ने स्वयं आकर प्रदान किया उन महापुरुषों को, वही जाप हम कर रहे थे, तो उससे ही मोक्ष होगा। और उसको इसलिए छुपाना कंपलसरी था, नहीं तो नकली भी ये नाम देते पाते। और ये काल के दूत हैं, क्योंकि इनको आदेश नाम देने का नहीं है। तो फिर आज हम डिफरेंस कैसे करते, भिन्नता कैसे बताते असली और नकली की। अब ये मंत्र है सतनाम, ये दो अक्षर का, इसको सतनाम कहते हैं, ये दो अक्षर का मंत्र है। और तीसरा मंत्र अलग है जो सार नाम है, ओम और तत् समझो ये है। और सत फिर भी भिन्न है, कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, कबीर परमेश्वर कहते हैं, और सार शब्द हमने गुप्त छपाए किसी भी सदग्रंथ में, गीता वेद पुराणों में, कहीं कुरान और बाइबल में कहीं भी ये सोहम शब्द नहीं मिलेगा आपको, ये कबीर वाणी में मिलेगा। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए, वो अभी तक नहीं खोला था। अब इस दास पे कृपा की है परमात्मा ने, वो सार शब्द भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, आदेश परमात्मा का इसी समय होना था, क्योंकि इससे पहले हम अशिक्षित थे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उससे पहले हमारे यहाँ शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। 1951 में दास का जन्म हुआ, दास को भेजा परमात्मा ने, और उसके बाद एकदम शिक्षा का विस्फोट हो गया। आज बच्चा बच्चा शिक्षित है, और यह शिक्षा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि इसने हमें बेईमान बना दिया। संसारिक सुविधाओं के उपलब्ध करने के लिए भाई बहन का भी आदर करना भूल गए, माता पिता का भी सत्कार रहा नहीं। लेकिन इससे एक लाभ बहुत गजब का है,
कि हम सदग्रंथों को स्वयं पहचान और समझ सकते हैं, जिससे हमारा कल्याण संभव है। इसलिए परमात्मा ने ये आज तक नहीं दिया, ये बखेड़ा सतयुग से लेकर और द्वापर तक आप देख लो जनता को इस आग में नहीं जलने दिया। शिक्षा वाली में एक वर्ग था विशेष, वो केवल सदग्रंथों को पढ़ने के लिए शिक्षित होते थे, और नहीं तो इसमें चातुरता ज़्यादा आती है, बेईमाना गणा छाता है। आप किसी ऑफिस में जाकर देख लो आग लगी पड़ी है, कोई सीधा मुँह बात नहीं करे, पैसे बिना जिक्र नहीं है, और एक बार कुछ कहेगा दूसरी बार कुछ झूठ बोलेगा, सारे दिन कर्म फोड़ा अपने हुए। और फिर उनके घर में जाकर देख लेना के कर टूट रहे हैं। एक व्यक्ति आया यहाँ पर के, उसके दो लड़के दोनों अपाहिज, और काफ़ी दिनों के बाद उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे नौकरी करता हूँ और ऐसे करता हूँ, हमारा तरह कर्म फोड़ दिए, तन तो अपना भट्ठा बैठा लिया, बकवाद करनी बंद कर देना। बोला जी नहीं, जिस दिन से नाम लिया मैंने छोड़ दी सारी रिश्वत लेनी। और देखा उसके कैर टूट रहा उसके घर पर। तो अपने आत्माओं, जैसे कर का जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन तीस खावे राम रंग हो रही हो, इस जहर ने कौन खाओगा। फिर जब ज्ञान होगा, दास चाहता है आपको इतना शाना बना दूं कि आपको विष दिखाई दे, ये जो क्रियाएं तुम कर रहे हो जिससे बड़े चाव के साथ और निर्भय होकर करते हो। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि किस चीज से मोक्ष होगा, वो मंत्र है सतनाम। और सतनाम है दो अक्षर का, अहिंदा स्वामी वाले सतनाम का भी राना, वो सतनाम की तो खान का है पीण का, ये थोड़ी सी रिहर्सल करा देता उनकी। अब ये राधा स्वामी वाले श्रद्धालु क्या कहते हैं कि हमारे गुरुआ दा ज्ञान वेदों और गीता तो ऊपर का है, और अपने वेदों और गीता की कोई आवश्यकता नहीं, और हम तो त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं, नीचे की हमने आवश्यकता नहीं। पुण्यात्माओं, त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी ये समझो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर इंसान जब जाता है, पहले उसका पासपोर्ट होता है, उद्देश्य होता है कि इस देश में जाना, पासपोर्ट बन चुका होता है, रास्ते की किराए की टिकट भी उसकी बन चुकी होती है, और वो टिकट और पासपोर्ट बनाने से पहले उसने क्या क्या करना पड़ता है, उस देश का नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सभी अधिकारियों से जाकर, उसने वहाँ का क्लियरेंस चिट लेनी पड़ती है, तब वो एयरपोर्ट पर जा सकता है और विदेश जा सकता है। अब हमारे शरीर के अंदर जो है, ये हमारा शरीर है, इसके अंदर हमारे आत्मा है, जीव है, और इसके बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर अंदर की तरफ कमल बने हुए हैं, जहाँ ये ख़त्म होती है रीढ़ की हड्डी नीचे गुदा के पास, इससे दो उंगल ऊपर अंदर की तरफ मूल कमल है, गणेश जी का वास है, और उससे ऊपर दो उंगल ऊपर सावित्री ब्रह्मा जी का वास है, एक अधिष्ठान चक्र बोलते हैं उसको, यानी स्वाधिष्ठान स्वाद चक्र लिखा अग्र संतों ने। उससे फिर नाभि, जो सुंडी है हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ में एक नाभि कमल है, विष्णु और लक्ष्मी जी का उस पर आधिपत्य है, और हृदय कमल, ये हृदय हार्ट नहीं, हृदय माने बीच का, यानी दोनों सतनों के बीच में, यहाँ पर बैक साइड में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ बैकबोन के अंदर, तो वहाँ एक 16 कमल की पत्तियों का, यानी वो एक चक्कर है, इसमें शिव और पार्वती का स्थान है। फिर यहाँ कंठ कमल में, यहाँ नहीं, इसके सामने बैक में, यहाँ पर जहाँ से रीढ़ हड्डी की हड्डी थोड़ा सा बैंड होती है, ये 12 पंखड़ियों का कमल है यहाँ पर, इसका शिव और पार्वती का 12 पंखड़ियों का है, और दुर्गा का जो है वो 16 पंखड़ियों का एक कमल जैसे आकार की आंतड़ी सी बनी है, कमल के पत्तों के आकार की। तो ऐसे इन सभी इन प्रधानों के ऑफिस कार्यालय हैं हमारे शरीर में। आत्मा चलेगी जब हृदय कमल से, हृदय कमल में इसका भी वास है, क्योंकि एक स्थान पर हर तरह की व्यवस्था होती है। तो ऐसा पूरे ब्रह्मांड का चित्र, जैसे टेलीविज़न होता है ना, टेलीविज़न उसमें चैनल लगे हैं, ऐसे शरीर में चैनल है, उस चैनल में कार्यक्रम जिस भी चैनल को ऑन करोगे वो होता कहीं और है कार्यक्रम, दृष्टिगोचर होता है यहाँ पर,
ऐसे ही है। तो हमने जब यहाँ से चलेंगे तो मूल कमल से स्टार्ट होगा हमारा नोड्यू सर्टिफिकेट लेना। तो हम ये आपको मंत्र देते हैं, इनसे यहाँ का ऋण जो इन प्रधानों का आपका सब समाप्त होता हुआ मिलेगा और आपका नोड्यू सर्टिफिकेट बना बनाया तैयार पाओगे इनके पास। और फिर आओगे आप त्रिकुटी पर, वहाँ पर इस दो अक्षर के मंत्र का जो आपकी कमाई आपके काम आवेगी। इनके पास अक्षर तो एक भी कोई ना पाँचों काल के। और बात करें त्रिकुटी पर जान की, इन त्रिकुटी तो ऐसी बना रखी जैसे बरवाले का बस स्टैंड हो, कोई पहुंच जा पैदल जाओ तो रिक्शा में बैठ के, बालकों का खेल नहीं है वहां त्रिकुटी तक पहुंचना। और इस मंत्र से और इस परमात्मा की शरण से ये बिल्कुल आसान है वहां जाना। और इनका ज्ञान दिखाते हैं जो वेदों से भी ऊपर का ज्ञान बताते हैं। देखिएगा सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से प्रकाशित, ये है सार्वचन वार्तिक। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2003 में 16वां संस्करण छपा इसका, और ये इसके प्रिंटेड इन इंडिया बाय लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली, इतने का। ये भूमिका है इनकी यहाँ पर। इस भूमिका में स्पष्ट लिखा कि सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक आजूर स्वामी जी यानी शिवदयाल जी के महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया था सन 1902 में। ओहो आज 1911 हो गया, आज 2011 है, 109 वर्ष हो गए इस अज्ञान को पढ़ते पढ़ते। 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया। पुस्तक प्रस्तुत पुस्तक उसी गुरुमुख प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है और अभी इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 में तो पंजाबी में छपे और उससे पहले की छिपी हुई थी और उससे फिर ये हिंदी में बनाई गई। अब कौन थे वो परम धनी जिसने इसके इस पुस्तक में वचन बोले हैं? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। देखा, अगर इनके ये हाथ लग जाते तो ये यूँ मंत्र भी देते पाते। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफ़ी संगति की थी। जो ये लेखक है इस पुस्तक का, शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले के वचन सुन रखे थे। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये प्रमाण तले गुरु नानक साहिब की वाणी के, अराप डले डोए हठ योग करें। 17 वर्ष तक सूरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1961 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ये और आगे फिर गंध फैलाया इन्होंने। अब इसके देखिएगा राधा स्वामी दयाल की दया, इसी पुस्तक में चल रहे हैं हम। खुलासा हजूर उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, इब शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लग गए हैं। वचन यहाँ से सुन होता है, ये जगत नाशवान है। ये दफा, ये गीता जैसे श्लोक है इनके, ये मंत्र संख्या दफा एक में क्या लिखा है कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। अब सतनाम को मुकाम माने सथान बताया, सतनाम को और राधा स्वामी को भी सतनाम बताया है। अब तीसरे में क्या लिखा वचन में, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली को चले। ये नो कहूँ नवीन डले डोए थे, नहीं ये यहाँ गलत बोल रहे हैं। अच्छा चलो फिर, कोई बिरला संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पर, ये कहें सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर। यहाँ सतनाम मंजिल है,
यहाँ सतनाम मंजिल और पीछे मुकाम, मंजिल कहो मुकाम कहो स्थान कहो, एक ही बात है। अच्छा अब यहाँ आ जाते हम, अब वचन नंबर 4 इनका देखो 15 पृष्ठ पे, ये है सार्वचन वार्तिक भाग 1 पढ़ रहे हैं हम, इसके 4 वचन में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम कहो स्थान कहो, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है। राधा स्वामी भी कहते हैं सच्चे साहब का है, सतपुरुष का और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से दो मुकाम, राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम को ये स्थान बताते आ रहे हैं, ये देखो पीछे यहाँ तीसरे वचन में क्या कहा है कि सिर्फ संत मंजिल पांचवीं यानी सतनाम में पहुंचे, सतनाम स्थान हुआ। और एक वचन में देखो काम इतना है इंसान यानी अपनी सूरत को यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम। अब फिर आते हम 4 नंबर पे, 15 नंबर पृष्ठ पे, 4 वचन पे कहते हैं अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है। सतनाम को इन्होंने क्या बोला पहले, मंजिल मुकाम, ये मुकाम का मुकाम। इन बालकों जैसी थ्योरी अरे परम धनी कवा में सतनाम यानी यूँ सोच लो स्थान का स्थान है, स्थान दो स्थान नीचे स्थान का स्थान है मुकाम, सतनाम का मुकाम। अब इस सतनाम को आगे डिफाइन किया है उन्होंने बहुत अच्छी तरह विस्तृत, देखियो जिसको इस सतनाम को संतों ने सतलोक सतनाम को, सचखंड सतनाम को, सारशब्द सतनाम को, सतशब्द सतनाम को और सतनाम सतनाम को और सतपुरुष सतनाम को बयान किया है। वारे वेद से भी ऊपर ज्ञान वाले हो, तोड़ पाड़ दिया इन्हें तो। अब इनका ज्ञान तो ऐसा है जैसे किसी ने सपने में भी कार ना देखी हो, सुन सुन रखी हो, किसी तरह जंगल में रहता हो शहर से भी 100 किलोमीटर दूर और वो औरों को भ्रमित करता है कि मैं कार में घूमता हूँ, शहर शहर में जाता हूँ, सड़क पर चलती है कार। अब उसे कोई और किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है, कौन चलाता है, ड्राइवर। तो उसे कोई पूछे भी कार कैसी है, किसे कहते हैं ड्राइवर, किसे कहते हैं, शहर कैसा है, सड़क कैसी है, पेट्रोल कैसा है, तो वो डिफाइन करे कि सड़क भी कार को कहते हैं, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, शहर भी कार को कहते हैं और ड्राइवर भी कार को कहते हैं। तो उस बुद्धू ने या कोई डिफाइन किया। अब ये सतनाम को डिफाइन कर चले हैं इनके परम धनी शिवजाल जी जिसे राधा स्वामी पंथ प्रारंभ हुआ है। कहते हैं सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, सतनाम भी कहते हैं, सारनाम भी, सतनाम भी, सार शब्द भी और सतपुरुष भी सतनाम ही है और सतनाम स्थान है। और देखा हूँ सतनाम के इनके वेरिफिकेशन। अरे वाह। अब आगरा से श्री जयमल सिंह जी ने सीधा नाम लिया था शिवदयाल जी से और जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा स्थापित कर दिया, उसके तुरंत उत्तराधिकारी बने सावन सिंह जी और सावन सिंह जी से ही एक बलोचिस्तानी सामस्ताना। पुणात्माओं इनकी जन्मपत्री जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपका समझ में नहीं आओ तुम कहाँ खड़े हो, किसकी ओट लिए बैठे हो। तो इनकी जीवनी जन्मपत्री बतानी आवश्यक होगी है। सावन सिंह जी से उपदेश लिया किसने, बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल सिंह जी ने और उसने सच्चा सौदा सिरसा में स्थापना कर दी। ये समझ लेना शिवदाल जी के विचार उनके पास है, नथिंग एल्स। समझदार को संकेत बहुत होता है और इतनी दुनिया को जोड़ के बैठ के वो कहाँ ले जाएंगे, उनको कर्म बिगाड़ रहे हैं वो, अपना भी और उनको भी बर्बाद कर दिया। इनका ज्ञान ऐसा है ये ध्यान कहाँ लगाएंगे, कहाँ जाएंगे। अब सावन सिंह जी के विचार सुनाता हूँ सतनाम के विषय में, देखिएगा। ये है संत मत प्रकाश और भाग 3। इन्हें दुनिया भर की पुस्तक गढ़ दी, सारी निरी बकवाद भर रखी है। इसके
102 पृष्ठ पर संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर बाबा सावन जी के सत्संगों का संग्रह राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह 2007 में लेटेस्ट संस्करण है यो और प्रिंटेड बाय इन इंडिया बाय गोपसंद पेपर लिमिटेड। इसके 102 पृष्ठ पे इन्होंने सतनाम को डिफाइन किया, देखना 102 पृष्ठ पे ये संत मत भाग प्रकाश के भाग 3। अब कहते हैं सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, सचखंड कहो ते सतनाम चौथा लोक है, ठीक है। और ये सभी के अंदर है, यो सतनाम चौथा लोक आपके अंदर है। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं इसी के 107 पृष्ठ पर ये क्या बोलते हैं। 107 पृष्ठ पर देखना इस सतनाम को आगे क्या डिफाइन किया है। 106 से शुरू करेंगे। वही सत्संगी हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो। महाराज जी ने कहा कि सावन सिंह जी कह रहे कौन से राम का। सत्संगी ने कहा क्या राम बहुत सारे हैं। महाराज जी बोले सावन सिंह जी 4 राम हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है। अब 107 पृष्ठ पे ये संत मत भाग 3 ही है। वही सत्संगी हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लगे डिफाइन करने, जो सच्चा सौदा सरसाड़ा के भी गुरु जी हैं। एक राम दशरथ गढ़डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब देखियो पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हम उन्हें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, और यो असली राम है। वाह रे जी, अभी मेरे ख्याल में क्यों भांग भूंग पी में थे। अब चौथा राम सतनाम है, और यो असली राम है। इन कई सतनाम में ना समझ वाले सांग के है, अरे पार होंगे। परमात्मा क्या बताते हैं, मोती मुक्ता दर सतना ही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था, इन कह कह का नहीं पता था। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब के कितने अच्छे रेफरेंस ले रखे इन्होंने, सावन सिंह जी ने संत मत प्रकाश भाग 4 में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा कि दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। वो दो अक्षर कौन से थे जो गुरु नानक देव जी के आपने पढ़ लिए, बार बार नहीं बताऊंगा। अब देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 4, ये श्री सावन सिंह जी के सत्संगों का वचनों का संग्रह है। और ये इनके गीता के से वर्ण हैं। गीता जैसे कति आज तक 150 वर्ष से चल रहे हैं, इनके सैकड़ों वर्षों से। और ये देखो इनका कौन है, प्रकाशक है संत मत भाग 4 सावन महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक सेवा सिंह सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह जिला अमृतसर। और ये पहली बार 2002 तक 10वीं बार छप चुके हैं 2010 तक, 15,000 यानी 60-70,000 तो ये यहाँ तक छप चुकी हैं। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस टांडा रोड जोशी शटेट जालंधर से। अब हम आते हैं इसके प्रश्न नंबर 261 पर। यहाँ सावन सिंह जी अक्सर रूप निखरती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना, ये है अमृतवाणी शिवदयाल की। हर खोलन चला है सावन सिंह, देखना यह संसार सर है और जो अक्षर है वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दे रहे हैं ये। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रभय त्रय सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही।
यानी इसका संकेत तो गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी की वाणी का है कि वो असली मंत्री वेदों में कोनी, और वो अभी तक उनमें नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय आदरणीय कबीर परमेश्वर जी की पूज्य कबीर परमेश्वर जी की वाणी भी लिखी नहीं गई थी जब गुरु ग्रंथ साहिब के नानक साहब ने वाणी बोली थी। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो, इसको अनुवाद कर रहे हैं ये श्रावण सिंह जी, जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है, पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, आगे 2 अक्षर और हैं, 2 अक्षर और हैं जो पारब्रह्म हैं, तो वो 2 अक्षर ही खुद तो कह रहे हैं पारब्रह्म हैं। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, और एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिना 2 अक्षर 2 नामा, 2 अक्षर 2 नाम है, 2 अक्षर के 2 नाम है वह, और पर्णवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। ये गुरु ग्रंथ साहिब के इस पन्ने पर अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। हरि ये क्या भेद बताओगा इसे देखना। यदि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी, इसका अनुवाद करेंगे, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। आप प्रश्न कर रहे, आप उत्तर दे रहे श्रावण सिंह जी, वो तो पार ब्रह्म है। 2 अक्षर, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। वाह रे वाह। और यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाक और होगा खसम तलेगा राख। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ पे, कह रहे हैं कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर 2 अक्षर भाक, भाक माने बोल कर सुना, और ये नौके आगे पाओगे पार ब्रह्म में, वो अक्षर है पार ब्रह्म पाओगे, आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, वो मरे पाछे मिलेंगे इन्हें। और रेफरेंस दे रहे हैं जिन महापुरुषों की वाणी को, वो तो कह रहे हैं 2 अक्षर बोल भाक, यानी 2 अक्षर का नाम देना चाहिए, और होगा खसम तलेगा राख, यानी इस नाम के देने का अधिकारी कोई संत होगा तो आगे रक्षा होगी। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हर मन बस है नानक होत निहाल, एक अक्षर और है जो सार नाम है, वो तीसरा मंत्र है, इसकी तरफ संकेत है। इन संतों महापुरुषों की वाणी भगवान की वाणी सही है, लेकिन ये समझ नहीं सके। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शासत इन पढ़्या मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल होई। अब गुरु ग्रंथ साहिब के इस 747 पृष्ठ पे न्यू लिखा है कि उस अक्षर का जाप करना गुरुमुख ने, यानी गुरु धारण करके गुरुमुख हो करके फिर उसका जाप करना है, ये नौके पार ब्रह्म मिलेंगे। ये देखो वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा, ये अनुवाद कर रहा श्रावण सिंह। अब वाणी क्या कह रही है गुरु ग्रंथ साहिब की, कि एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, ये तो जाप करना है गुरुमुख होकर, गुरु जी का शिष्य बनकर कोई स्मरण संत बनाकर, और ये कह रहा है ये वह अक्षर आपके अंदर है, मरे पाछे मिलेगा और पार पर मजा के मिलेगा, वो जब भूत बन देंगे। अकल देखो इनकी, वाणी क्या कह रही है, अनुवाद क्या कर रहे हैं। तो अभी तक हम इनको परम संत मान के हमने डाउट ना होया, अब इनकी कितने भी छुरी ठीक नहीं पाओगी, आपको देख लेना। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम। यो सतनाम में ना समझ मारे इनके केक बताने लगे देज ने। अरे वाह, हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म इनका सतपुरुष है, यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। और देखो यह आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर और सतनाम में जा रही है। ये देखो कि एंडमेंट बोल रहे, अब इन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अरे राधा स्वामी पंथ जोड़ा। अब देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द सो हम शब्द और सत शब्द। ये गीता जी के 3rd 17 में जाएगा 23वां श्लोक की तो सुन लिया इनने, इसमें यो और जोड़ दिया,
और सत शब्द इसका किसी ने पता है कोई नहीं। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और यो तैबा हमने गोप छपाए गुप्त बता दो नहीं तीसरा कित, और ये इनका जाप भी ना करते। और ये दो अक्षर हैं जो पूरा गुरु बतावे है, सोई गुरु पूरा कहावे 261 पृष्ठ पे, ये संत मत भाग के गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखे, सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का वेद बतावे। वो तो इब्बा बताओगा जीवित में, मेरे पास से के बताओगा जाने के बाद, स्पष्ट कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी तो। और एक छुड़ावे एक लखावे, ओम का जाप करेंगे काल से छुटवाएगा, और दूसरा मंत्र है वो हमें सतलोक भौर गुफा तक ले जाएगा, वो मंत्र आगे पहुंचा नहीं सकता जब तक सार नाम नहीं होगा। वो वहां से दर्शन हो सकते हैं, वो सतलोक है लेकिन जा नहीं सकते, बीच में पारदर्शक एक बहुत बड़ा सीमा है बना रखी है परमात्मा ने। तो वो एक मंत्र है वो अलग से मिलेगा, एक छुड़ावे एक लखावे, उन दो अक्षर में बता रखे है। तो परमात्मा अब और दिखाते हैं इनके विषय में क्या कहा भगवान ने, बेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न जावेंगे ये 84 के डोरे। संतों की वाणी को चुरा के पंथ जोड़ के बैठ गए, कहे का नहीं पता महापुरुषों की वाणी क्या कह रही है, ये खुद उपदेश क्या दे रहे हैं, कहाँ वो पांच नाम। पांच नाम वो नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब में पांच नामों का भी जिक्र है, और उन पांच नामों से मोक्ष नहीं है। वो पांच वो नहीं है अरंकार ओंकार, ये कहीं नहीं लिखा गुरु ग्रंथ साहिब में। वो पांच नाम अलग है, पांच प्रधानों के हैं, इन पांच प्रधानों के जो आपको दिए जाते हैं। अब यो तो आपने देख लिया, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चम इनके फेरा मोतिया बंदरे। ये संत कमावे थे और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को उल्टा पाठ पढ़ावे थे। अब देखना इनके करकमलों से अब क्या बताते हैं, ये खुद प्रकरण दे रहे हैं एक जगह, अभी दिखाते हैं आपको कि एक इंदुमती रानी थी, उसके गुरु कबीर जी थे, और कबीर जी इनका सिद्धांत क्या है राधा स्वामी वालों का कि भगवान ऊपर सतलोक में सतपुरुष निराकार है, वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, और यहाँ से मुक्त हुई आत्मा उस सतलोक के प्रकाश में यानी परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी वहाँ कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता जीव का। इनका अपना विधान था यो है, वास्तविकता क्या है वो भी प्रकट दिखाऊँ इन्हीं के करकमलों से, अंधों के अंधा मीन तत्व ज्ञानहीन नेत्रहीन थे ये। अब देखना 264 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग 4 के और प्रश्न नंबर 264 पे सत्संगी ने सावण सिंह जी से पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है। सावण सिंह जी महाराज जी कहते हैं हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें, फिर भी सुनो। रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी, फिर पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए। देखिए अपने विधान से बता रहे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर उस सतलोक में मालिक में निराकार भगवान में लीन हो गए जैसे बूंद समुद्र में, और पीछे रानी हुई, पाछे तो रानी उसमें समुद्र में एक कम एक होगी डूब का मिर्गी। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी को देखी तो कहने लगी, महाराज यदि पहले आप पहले ही बता देते कि मैं अकाल पुरुष हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ सतपुरुष हूँ, तो मैं भजन सुमन कर करके व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब देखो इनकी थ्योरी अंधों की, कहते हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, पाछे तराणी डूब का मिर्गी उसमें विलीन होगी, और फिर जो कह सचखंड में जाकर रानी ने कबीर साहब की पदवी देखी और कहने लगी, महाराज वह फिर बतलाए किस टाइम भाई, तो दोनों डूब का मिर गए इनकी थ्योरी थे, फिर बतलाए किस टाइम हुए आपस में। अकल हमारी इनकी देखो गाम जा रही थी अकल इनकी।
अब वो दोनों बतलान लगे, कहते सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी रानी कि महाराज यदि आप पहले बता देते कि मैं काल पुरुष हूँ, वो तो छय काल पुरुष, वो परमात्मा ही थे। अब ये बात तो सच्ची है, इनकी इनका उदाहरण इनके विपरीत है, फिर वो बतलाए कैसे अलग अलग अस्तित्व है भगवान का वहाँ पर, आत्मा का और परमात्मा का। फिर दिखाते हैं एक और 189 पृष्ठ पे, ये देखो इन ज्ञानहीनों की पुस्तक में देख लो, संत मत प्रकाश भाग 4, और यहां देखा 189 पृष्ठ पे, यहां कहते इसी तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। बताओ फिर तारा धनी कित रहेगा, जब कबीर साहब सतपुरुष है वो कित गा तुम्हारा परम धनी। आय है कबीर साहब सतपुरुष हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, ये बिल्कुल सही है, इंदुमती का ये बिल्कुल ऐसा ही प्रकरण है। और कहती है हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूँ तो क्या मैं आपकी सेवा न करती। कबीर साहब कहते हैं कि तुझे विश्वास न आता, अब तू आ गई है तो कह तेरी मर्जी कह ले। अब ये बिल्कुल सही है कि वहाँ अस्तित्व अलग अलग है दोनों का, भगवान रूप में कबीर परमेश्वर वहाँ तख्त पर विराजमान हैं, और जाने वाली आत्मा इंदुमती ने जब परमात्मा को वहाँ देखा जब कहा सचमुच आप तो सत्यपुरुष हैं, हरियन दे आप पे लिख रहे हैं इस बात को, और फिर भी शिवदाल परम धनी बताओ है ये। और वहाँ बताते हैं पहले कबीर साहब विलीन हो गए, फिर रानी विलीन होगी, और फिर बतलाए वो दोनों। अरे कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, ये दिखत के तो नैन चम इनका फेरा मोतिया बंदरे, ये दिखे ते संत इन्हें कैखे का बिना पता, आज तक इनका सतनाम समझ में नहीं आ लिया। और बात बनाओ सतलोक दान की, अब दो अक्षर का भेद बतावे। गुरु नानक देव जी की वाणी में प्रमाण है, गुरुओं ने ये जाप किया और मोक्ष प्राप्त किया। तो पुणात्माओं आपको ये विश्वास दृढ़ कराना है कि जो साधना तुम कर रहे हो ये फाइनल है और मोक्ष कंपलसरी है, नो डाउट। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ध्यानपाल सिंह शाही। ध्यानपाल जी आप कहाँ से हैं? जिला बागेश्वर उत्तराखंड से जी। ध्यानपाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2017 में ली जी। सर आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक? जी पारंपरिक जो हमारे पहाड़ में चलता है वही किया करते थे। मेरे पिताजी देवी की पूजा करते थे, अपने बुढ़ापे के बाद वो ट्रांसफ़र करके मुझे दे दिया, फिर मैं पूजा किया करता था। यानी कि सभी लोग जो पूजते थे तो मैं उनको देवताओं को नहाना धुलाना, देवी के वस्त्र नहाना धुलाना, उन पर आरती करना, ये काम करता किया करता था। उसके साथ ही सभी जो जो त्यौहार तीज होते हैं वो सभी करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप पारंपरिक पूजाएं करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे और देव भूमि उत्तराखंड से हैं आप, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? जी ये तो मैं सब कर रहा था, और मैं जब नौकरी से बाहर हो गया था तो मैंने तब भगवान की मुझे बड़ी ज़रूरत पड़ी कि क्लरिकल नौकरी थी हमारी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स ऑफिस में उत्तर प्रदेश के, इसका नैनीताल में कार्यालय था, डिविजनल कार्यालय में थे हम। तो मैं देवी देवताओं और इन साधु संतों के पास गया कि आखिर ये क्या वजह हुई कि मुझे, मैं तो परमात्मा का भगवान की पूजा भी करता हूँ, भक्ति भी करता हूँ, सब पूजाएं होती हैं, उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा अन्याय कैसे हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं था कि हमने कोई ऐसा गलत काम किया हो या हमारी कोई गलत रिपोर्ट हो, तो मुझे कहीं पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मैं लखनऊ में भूतनाथ के बाबा के पास गया,
ऐसी चर्चा थी कि भूतनाथ बाबा उधर से कहाँ से सीतापुर से एक मिनट में सीतापुर में दिखते हैं, उसी समय लखनऊ में दिखते हैं, वो बड़े ज्ञाता हैं, बड़े जानकार हैं, वो सब भूत भविष्य की बताते हैं। तो मैं भी लाइन में लगा, वहाँ 2-3 मर्तबा गया उधर, और वहाँ पर भीड़ भाड़ में जैसे तैसे मैंने बाबा जी के पास तक पहुँच ही गया मैं। वो वहाँ पर गुफा बनाए हुए थे अपने मंदिर के पास में, और एक धुनी जली थी, धुनी के पास बैठे थे, राख लेकर के कपाल पर वो दर्शनार्थियों के लगा रहे थे। मैं भी उनके पास पहुँचा, मेरा मकसद यही था कि बाबा जी मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरा तो नौकरी छूट गई है, और कैसे इसका मुझे वापसी मिलेगी इसकी। तो बाबा ने मेरे बोलने से पहले ही राख निकाली, मेरे सिर पर लगाए, बोले देवी जी दुष्ट है तेरे से, और फिर आना, अभी जाओ, जब जैसा आदेश होगा वैसा होगा। फिर अब हम फिर गए उनके पास में, तो वो मिले नहीं, उनका वो कहीं अपने दूसरी जगह गए हैं। फिर तीसरे अटैम्प्ट गए, फिर नहीं मिले। तो इससे हमने अंदाज़ लगा लिया कि ये सब जो है बेकार की बातें हैं, कुछ है नहीं इसमें ताकत। जो भी देवी देवताओं का पूजा पाठ थी उसमें से हमारी रुचि हट गई, परंतु इतना ज़रूर था कि परमात्मा भगवान तो हैं कहीं न कहीं, क्योंकि ये सृष्टि जो बनी है ये इसको संचालित करने वाला तो है ही है, ये हमें विश्वास ज़रूर था। और इसी वजह से हम टीवी पर ये जो आजकल बहुत वो चल रहे हैं, संत लोगों के प्रवचन चल रहे हैं, कोई कथा कह रहे हैं, कोई कथाकार हैं, तो उनको सुनते थे, लेकिन रुचि नहीं बनती थी किसी में। एक दिन रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था, साधारण से आदमी सफ़ेद कुर्ते पजामे में बैठे हुए। पहले दिन तो हमें अजीब सा लगा, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ज़रा सा इच्छा बनी कि और देख लेना चाहिए, इस समय तो आता है शाम को ही। तो एक दो दिन और देखा हमने, तो रुचि बन गई हमारी संत रामपाल जी महाराज के वचन को सुनने में, वाणी को सुनने में, बहुत उनसे अपने शास्त्रों से खोल करके दिखा रहे थे जी। इस तरीके से हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, संत रामपाल जी महाराज आपको शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों को खोलकर प्रमाण दिखा रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज आपको ऐसा क्या प्रमाण दिखा रहे थे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत उत्तम सवाल है सर। शास्त्रों के बारे में सभी हमारे यहाँ पर जो हमारे पूजा पाठ वगैरह वगैरह करवाते हैं पंडित लोग, तो वो ज़रूर बात करते थे, ये शास्त्रों में कहा है, ये गीता में कहा है, ये वेदों में बोला जाता है, परंतु कभी भी उन्होंने इंगित करके नहीं दिखाया कि वेद इस अध्याय में इतने नंबर श्लोक में या मंत्र में ये बात कही है। वो मनमुखी अंदाज से तुक्का लगा करके बोलते थे, और रामपाल जी महाराज उंगली लगा करके और वो चैप्टर को खोल करके, वो अध्याय को खोल करके बता रहे थे कि इस ऋग्वेद में मंडल नंबर इतने में यहाँ पर ये बात कही है। गुरुजी का ज्ञान शास्त्रोक्त है, शास्त्रों से प्रमाणित है, केवल हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों से ही नहीं, वरन सभी दूसरे धर्मावलंबियों के, जैसे मुस्लिम का कुरान शरीफ है, और ईसाइयों का बाइबिल है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब हैं, इन सभी जो शास्त्र हैं, जो सभी ग्रंथ हैं, इनसे प्रमाणित करके भक्ति को बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो ही हमारे दिल में जची, और उसी को आधार बना करके हमने गुरुजी बनाए संत रामपाल महाराज को, और उनकी बताई हुई भक्ति पर आरूढ़ हैं। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया, तो गुरु बनाने के बाद जैसे बहुत सारे श्रद्धालुओं को लाभ मिलते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव हुए? जी, मुझे अनमोल शारीरिक लाभ हुए, आध्यात्मिक लाभ हुआ कि हमको सत भक्ति मिली,
और मोक्ष मार्ग मिल गया। वैसे भी हमारी मौत थी 2018 में, बड़े एक्सीडेंट हुआ था हमारा। एक स्कूटी से साइकिल में हम सवारी कर रहे थे, जा रहे थे कहीं, घर से निकले थे और इसका टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था उस समय कोरोना की वजह से। और वो हमारी मौत पता नहीं, जबकि वही चल ही नहीं रहे थे वाहन, और वो कहाँ से आया और मेरी ही लेन में सीधा आकर के सीधे पूरे फोर्स से टक्कर मार दी उसने। जैसे 2-3 गज की का फासला रहा होगा, तो परमात्मा ने मेरी याददाश्त को लुप्त कर दिया। मैंने आवाज़ ज़रूर सुनी, बड़ी ज़ोर की आवाज़, और मैं जब 5-7 मिनट बाद मुझे होश आया तो मैं देखा कि लोग मेरे चारों तरफ से खड़े हो रहे हैं और उठा उठा चलो ले जाओ ले चलो कह रहे हैं। एक टैक्सी भी आई हुई है, उसमें रख करके मुझे ले गए। मैं कह रहा हूँ मत करो यार, मेरी चोट नहीं लगी है, कुछ नहीं हो रहा है, ज़रा सा खून वून हो रहा था, मुँह से आ रहा था खून। तो लोगों ने समझा कि एक्सीडेंट बड़ा हो गया है, सड़क में इसका सिर लग गया है और ये जो है सर में फट गया है, मुँह से खून आ रहा है इसको, वहाँ तो हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने पहले ही कह दिया क्या बात हुई है, उन्होंने कहा ये एक्सीडेंट हो गया था साहब यहाँ पर, उन्होंने कहा इनको रिफ़र कर दिया है, बागेश्वर ले जाओ, बागेश्वर ले जाओ, आगे जिला मुख्यालय ले जाओ। वो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है हमारे पास, एक्सरे तक का इंतज़ाम नहीं है। तो बागेश्वर गए तो वहाँ पर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, लिखा एक्सरे के लिए और अल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह के लिए कहा। तो सबसे पहले एक्सरे की बात आई तो एक्सरे में कुछ भी नहीं निकला, कहीं कोई चोट चोट पटक कुछ नहीं निकली, सिर में कहीं, गर्दन में कहीं कहीं भी। तो और लिख दिया उन्होंने दवाई, इतनी इतनी लंबी फहरिस्त लिख दी दवाइयों की, मैंने एक दवाई भी नहीं ली उसमें से। मैंने कहा मुझे छोड़ दीजिए, परमात्मा की दया से मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, और संत रामपाल जी का मैं शिष्य हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक ठाक हूँ। ये दवा लिस्ट दी, उन्होंने कहा ये दवा को तो रखनी खानी है आपको। हमने कहा वहाँ पर तो खा लेंगे जी हम, लेकिन मैंने लिया नहीं, परमात्मा को स्मरण किया, अपना मंत्र जाप किया, बस वो मेरा कष्ट दूर हो गए, कोई भी दवाई नहीं खानी पड़ी मुझे। और इसके अलावा मैं बीमार हो गया था, छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं, मैं कभी दवाई नहीं लेता, परमात्मा की दया से परमात्मा का ही ध्यान करते हैं, बस ये सब दूर हो जाता है। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि दवा तो थोड़ा सा ले लीजिए, ज़रूर आप लाखों रुपए के जो खर्चे हैं उनसे आपका काम 50-20 रुपए में हो जाएगा, आप लीजिए दवा। तो हमने यहाँ नामदान के प्रभारी जो थे उनसे संपर्क किया, भाई हम भगत जी बीमार हैं, क्या करें, कुछ इस तरीके की तकलीफ है। उन्होंने कहा तो दवाई ले लो, गुरुजी कहते हैं दवाई लेने के लिए, तो थोड़ी सी दवाई के लिए हम आए यहाँ बागेश्वर कपकोट गए। कपकोट में उसने देखा, उन्होंने कहा ये तो ज़्यादा गंभीर बीमारी है, यहाँ नहीं होगा ये ठीक। यूरिनरी ब्लैडर में प्रोस्टेट का बीमारी होने का उन्होंने जानकारी दी हमको, और उसका हमारे पास में प्रमाण भी है, या तो ऑपरेशन करें या आजीवन दवा खाइए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा था डॉक्टर साहब ने। तो मैंने वहाँ पर वो तो ले लिया, उन्होंने जो दवाई लिखी वो दवाई भी ले ली, थोड़ी सी 15 दिन की दवाई भी ले ली, और मैं चला गया घर पे। और मैंने, उन्होंने कहा था कि हमेशा खानी है, तो हमने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के अरदास लगाई और हमें जवाब मिला कि भक्ति करिए, परमात्मा सब ठीक करेंगे, और दवाई हवाई जो खा लिया है ठीक है, अब बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मालिक की दया से। अभी 18 से 23 हो गए हैं और मैं स्वस्थ हूँ और मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। यूरिन में जो 5-1 मिनट में मेरे को भागना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, और थोड़ी सी पेशाब होती थी और दर्द जलन इतनी होती थी कि पांव ज़मीन में नहीं पड़ते थे। परमात्मा ने दया करी और ये कष्ट से मेरे को उबार दिया, मालिक ऐसी दया करते रहें। और तमाम लाभ होते रहते हैं,
आर्थिक समस्या ऐसी थी कि मैं नौकरी से तो बेदखल हो ही चुका था और छोटे छोटे एनजीओ में काम करके अपना परिवार का पालन पोषण करता था। और जब से परमात्मा की शरण में आया, मेरा घर बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है, घर भी नया बन रहा है, बच्चे अपना वो हो रहे हैं, पत्नी भी मेरी अच्छे सुखी हैं और उनको भी ऐसा कोई बड़ी बीमारी नहीं है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आर्थिक स्थिति भी अभी ठीक है, बच्चा कमा रहा है। नशा भी करते थे कई वर्षों तक, करीब 30 वर्षों तक नशा किया है और चेन स्मोकर थे। बीड़ी तो मुंह में रहती थी, दूसरी जल जाती थी, पता भी नहीं चलता था बीड़ी मुंह में है मेरी। और उसके बाद बीड़ी छोड़ी, लोगों ने कहा तो बीड़ी तो बहुत वह हो गया तेरा, खांसी वांसी हो रही है और टीबी हो जाएगी तेरे को। हमने कहा चलो बीड़ी छोड़ देते हैं, तो हमने खैनी शुरू कर दी। तो अब एक छोड़ा, दूसरा रोग पकड़ लिया, तो इस तरीके से वह चली रही थी खैनी। परमात्मा की शरण में आए तो सब बंद होगी, कोई किसी किस्म का नशा नहीं, किसी किस्म का कोई मांस मदिरा कोई भी चीज़ का भक्षण नहीं होता है, वरन सहयोग भी नहीं दिया जाता है इस मामले में किसी भी। इस तरीके का परमात्मा की जो मर्यादा है उस पर चल रहे हैं मालिक की दया से। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका नशा छूटा, संत रामपाल जी महाराज ने आपको सुख दिए और एक सभ्य इंसान बनाया। सर, आप बहुत ज्यादा देवी देवताओं की भक्ति करते थे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? इसमें सत्यता का कोई पुट नहीं है। संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, वरन उनकी वास्तविक मंत्रों से वास्तविक भक्ति करवाते हैं। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का अपने वाणी में, अपने प्रवचनों में याद दिलाते हैं और वो बहुत ही सुंदर ढंग से इन सभी देवताओं की, इनके वास्तविक मंत्रों की पूजा बताते हैं, जिससे जीव को लाभ होता है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को संदेश तो नहीं दे सकता हूं और इस तरीके का कोई अपील भी नहीं कर सकता हूं, परंतु ये तो सब संत रामपाल जी महाराज स्वयं दे ही रहे हैं। इनसे इतना ही विनती कर सकता हूं, दोनों हाथ जोड़ के, कि आप एक बार अवश्य सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के किताब, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ें। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, इनको पढ़ें। अगर इनको नहीं पढ़ सकते हैं तो टीवी पर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की सत्संग चलते हैं, उन सत्संग को देखें और ज्ञान ग्रहण करें। ज्ञान ग्रहण करने के बाद गुरुजी से नाम दीक्षा लें संत रामपाल जी महाराज से और अपना कल्याण कराएं, क्योंकि इस समय विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जिन पर परमात्मा की कृपा है और जिनकी वाणी में ताकत है, परमात्मा के बराबर शक्ति है। आप सब अपना नाम लेकर के कल्याण कराएं। ध्यानपाल जी, अपना अनुभव हमारे चैनल पर बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।